हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन नॉर्थसेट 2021 के स्पेशल मेगा क्लास में आज एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर सिस्टम के हर ऑर्गन और ऑर्गन पे बनने वाले डिसऑर्डर के बारे में MCQ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बेस्ड होगा, इमेज बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड होगा और बहुत सारे ऐसे MCQ होंगे जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट 2 आवर की मैराथन क्लास के लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर हैं। जो ऑलरेडी मैंने पुट किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंट्रोडक्शन पार्ट और टीथ, टंग और सलावरी ग्लैंड्स, इन पे बनने वाले वो बेसिक एनक्लेक्स और मौसमी के MCQ आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि that going to be important for every future nursing officer. तो आज की इस important class को carry on करें my loving future nursing officers. Here you can see everyone. बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जिंदगी में बिना struggle किए हुए, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर नहीं पहुंच सकते हैं। सीधा मतलब है कि बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल, बिना डेडिकेशन आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां आपका सपना है। तो आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो, जिस तरीके से हार्डवर्क कंसिस्टेंट कर रहे हो और ये डेडिकेशन आपको उस दूरी तक लेके जाएगा जहां हर किसी का सपना है। और वो दूरी क्या होगी बच्चों? नॉर्थसेट 2021 और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनना कौन नहीं चाहेगा। तो उस दूरी तक चलने के लिए डेफिनेटली संघर्ष करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है और वो आप और आपका JINC परिवार लगातार निरंतर कर रहा है बच्चों। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करने से पहले जो JINC जोधपुर की तरफ से आप सबकी डिमांड पे स्पेशल MCQ बैच का जो डिस्काउंट दिया हुआ है, MCQ बैच का जो डिस्काउंट, उसके बारे में कैरी ऑन करता हूं, आगे बढ़ता हूं बच्चों। अभी आपका 10th लाइव MCQ बैच चल रहा है, 10th लाइव MCQ बैच चल रहा है। इस MCQ बैच में थ्योरी भी चल रहा है बच्चों और बता देता हूं, टीम JINC के 5+2 7 वो टीचर हैं जो इस पूरे बैच को रन कर रहे हैं और इस बैच में से अकेला मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस आप तक पहुंच रही है और बाकी जितने भी टीचर है, एक एक टीचर अपने लेवल पे बेस्ट डिलीवर कर रहा है। और बता देता हूं बच्चों, अभी तक का सबसे बड़ा MCQ बैच है, लगभग 3500 प्लस स्टूडेंट है। और आपने देखा होगा यूट्यूब के ऑलमोस्ट बच्चों ने MCQ बैच ज्वाइन करके और अपनी जर्नी JINC परिवार के साथ कैरी ऑन की है। तो सबसे लार्जेस्ट बैच हम बोल सकते हैं। इस बैच में थ्योरी प्लस MCQ भी चल रहा है, प्लस इस बैच में कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा, कोई भी बच्चा इस बैच में ज्वाइन करना चाहेगा उसके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है 5 to 7 जुलाई। 5 to 7 जुलाई मतलब आज का और कल का दिन बाकी बच्चों। और इस बैच के अंदर डेली 4 आवर क्लासेस, कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के MCQ, उसके साथ साथ मौसमी एनक्लेक्स के सारे MCQ, इमेज बेस्ड MCQ, रीजनिंग, मैथ्स, वो सब कुछ आप तक डिलीवर करने की कोशिश करें जो आपके अपने सपनों को पूरा करने में मदद करें। तो जो भी बच्चा इस MCQ बैच को ज्वाइन करना चाहता है, लास्ट मौका नॉर्थसेट से पहले आखिरी मौका, जब 3999 इस बैच को ज्वाइन करके अभी तक जो क्लास अटेंड की गई है उस क्लास को भी आप ऐप में 100% ले सकते हो, क्योंकि जो भी क्लास हुआ है वो ऐप के ऊपर अपलोडेड है और आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस इंपॉर्टेंट सेशन को पूरा कर सकते हो, क्योंकि आखिरी मौका बच्चों हाथ से चला ना जाए। लिमिटेड टाइम मिला है, उस टाइम का सही उपयोग करो, सही ट्रैक पे चलो। और सिंपल तरीका प्ले स्टोर पर जाने के, जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल ID से लॉगिन करना है और इस MCQ बैच को परचेज कर सकते हो। जिन्होंने JINC का ऑफलाइन बैच पढ़ रखा है उसके लिए इस MCQ बैच की प्राइस बच्चों 2500 है। जिन्होंने JINC का ऑनलाइन बैच ले रखा है उनका फीस इस बैच के लिए 3000 रुपीज होगा बच्चों। ये उन बच्चों के लिए जो JINC में ऑलरेडी पढ़ चुके,
JINC में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर इस बैच में, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बस याद रखिएगा इस अमाउंट को 9636032691 पे फोन पे पेटीएम करके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा के इस बैच का हिस्सा बन सकते हो, इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। ओके फाइन, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन का पहले इंपॉर्टेंट वो बुलेट्स, वो इमेज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक एक ऑर्गन, उस ऑर्गन के एनाटॉमी पे बनने वाले क्वेश्चन, डिजीज कंडीशन पे बनने वाले क्वेश्चन, सर्जिकल मैनेजमेंट पे बनने वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ क्लास को कैरी ऑन करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी बाउल इरिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं यहां पर बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम किसी स्पेसिफिक सिस्टम को शुरू करते हैं उनमें वो प्रीवियस पेपर के रिपीटेटिव क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाउल इरिगेशन बाय इंस्टिलिंग 500 to 1000 ml, याद रखना बाउल इरिगेशन जब भी हम करेंगे तो 500 से 1000 ml वाटर को इंस्टिल करना। जो वाटर इंस्टिल करोगे उस वाटर को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकॉम। उस वाटर को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकॉम। और ल्यूकॉम क्यों बोलते हैं, कि उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 degree Fahrenheit होता है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। जब भी पेशेंट को बाउल इरिगेट करते हो, ज्यादातर बाउल इरिगेशन का जो काम होता है, एक तो हम कोलेस्टोमी केयर में कर सकते हैं, कोलेस्टोमी केयर करते समय कर सकते हैं, या कोई भी बाउल की सर्जरी हुई उसके बाद कर सकते हैं, कोई भी बाउल की सर्जरी उसके बाद कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब आपसे पूछेंगे कि बाउल इरिगेशन करने वाले वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपको आंसर लिखना 100 degree Fahrenheit। इस वाटर को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको आंसर लिखना बच्चों ल्यूक वॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, जब भी हम ईयर को इरिगेट करेंगे, जब भी हम ईयर को इरिगेट करेंगे, इरिगेशन ऑफ द ईयर, तो टेम्परेचर जो है वो 98 degree Fahrenheit होगा बच्चों। ये क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जब भी पेशेंट का ईयर इरिगेट करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए वाटर का, 98.8 degree Fahrenheit, और जब भी पेशेंट का बाउल इरिगेट करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 degree Fahrenheit, 100 degree Fahrenheit। और याद रखना बच्चों, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अमाउंट कितना पुट कर रहे हैं, 500 से 1000 ml। और याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब हम पढ़ते हैं बाइल प्रोडक्शन, जब हम पढ़ते हैं बाइल प्रोडक्शन, और बाइल प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों, लीवर। और आपसे पूछे कि 24 आवर में लीवर से बाइल का प्रोडक्शन कितना होता है, तो आपको आंसर लिखना होगा 500 से 1000 ml, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। आपसे पूछे हैं कि 24 आवर्स के अंदर बाइल का प्रोडक्शन कितना होना बच्चों, आपको आंसर लिखना 500 से 1000 ml। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, जब हम टी ट्यूब केयर करते हैं बच्चों, जब हम टी ट्यूब केयर करते हैं, टी ट्यूब केयर जो है गॉल ब्लेडर के सर्जरी या वीक से कॉलिडोकॉलीसिस्टेक्टमी के बाद टी ट्यूब पुट करते हैं, और टी ट्यूब का जो ड्रेनेज होगा वही कितना होता बच्चों, 500 से 1000 ml इन 24 आवर्स। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने क्लियर मेंशन किया बाउल इरिगेशन जो है टेम्परेचर 100 degree Fahrenheit है, बट वाटर कितना, 500 से 1000 ml। बाइल का प्रोडक्शन 24 आवर्स में कितना, 500 से 1000 ml। और याद रखना टी ट्यूब केयर करते समय ड्रेनेज कितना होना चाहिए 24 आवर्स में, तो आपको आंसर लिखना है 500 से 1000 ml। वो सारे एमसीक्यू जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछे हैं, और इट मे बी आस्किंग अगेन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिएगा बच्चों, जब भी हम इस सिस्टम को कैरी ऑन करेंगे, उससे पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जानना होगा, जब पहले प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बना होगा और या इस बार एमसीक्यू बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरेशन टू हियर बाउल साउंड आफ्टर सर्जरी। याद रखना, जब भी हम किसी पेशेंट का एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं तो एब्डोमन को क्या करना होता है, एब्डोमन को डिस्टेंड करना होता है, एब्डोमन को एब्डोमिनल
डिस्टेंशन करना होता है। डिस्टेंशन का मतलब हुआ एब्डोमिनल, एब्डोमेन को फुलाना पड़ता है, और फुलाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस यूज करते हैं CO2। और याद रखना, जब भी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बाउल साउंड को मॉनिटर किया जाता है, तो बाउल साउंड लगभग 48 आवर्स के बाद रिटर्न बैक आता है, मतलब सीधा आफ्टर 2 डेज, मतलब सीधा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आफ्टर 2 डेज, 2 डेज के बाद में बाउल साउंड जो है वो रिटर्न बैक आएगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी कितना होना चाहिए बच्चों। 20 mm of Hg। नॉर्मली जब हम पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, तो एब्डोमेन को डिस्टेंड करना पड़ता है ताकि ऑर्गन को इजिली विजुलाइज कर सके। तो उस समय पेशेंट के जब एब्डोमेन के अंदर CO2 को इन्फ्लेट करते हैं तो प्रेशर पूछा कितना होना चाहिए बच्चों, 20 mm of Hg, और पूछेंगे कौन सी गैस यूज करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते समय कौन सी गैस को यूज करते हैं। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, CO2। आपको आंसर क्या लिखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, CO2। और याद रखना, इसी गैस को बोलते हैं रेस्पिरेटरी, ध्यान से देखना बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट गैस कौन सा है, ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन लिखते जो गलत आंसर होता है। आज के बाद जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट गैस कौन सा होता है, तो CO2 लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट गैस किसको बोलते हैं। O2 लिखा होगा, CO2 लिखा होगा, और अदर ऑप्शन लिखा होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, CO2। क्या लिखना है, CO2। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनेगा कि कितनी गैस हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर यूज करते हैं। नॉर्मली 3 to 4 liter, 3 से 4 liter गैस हम यूज करते हैं नॉर्मली, और इसका पर्पस सीधा बच्चों एब्डोमेन को डिस्टेंड करना होता है ताकि हम इंटरनल ऑर्गन को इजिली विजुलाइज कर सके। एक बहुत ही शानदार MCQ है कि CO2 जो है उसके गैस में, जो गैस का सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है। यहां पर मैंने कलर पुट किया है। कलर क्यों जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर CO2, O2, नाइट्रोजन, ये वो जो गैसेस हम कॉमनली हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं, इस गैस के सिलेंडर के कलर कोड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां पर आपसे फिर से रिपीट किया जा सकता है। मैंने लिखा CO2 जो है उसका कलर हमेशा ग्रे होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बात आती है कि बार बार हम जिक्र करें कि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो एग्जैक्टली बात करें तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, लैप्रोस्कोप को यूज करते हैं। देखिए लैप्रोस्कोप जो है, द डिवाइस विच इज यूज टू विजुलाइज पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन, स्पेशली इन द बॉडी, या वी कैन से इंटरनल ऑर्गन, मैंने यह डिवाइस पुट किया। देखिए एनिमेटेड आप देखोगे इस तरह की डिफरेंट जो डिवाइस हम पुट करते हैं, ये डिवाइस क्या, लैप्रोस्कोपिक डिवाइस है। इस डिवाइस के द्वारा हम कॉट्रीज को पुट करते हैं, कैमरा को पुट करते हैं, सीजर को पुट करते हैं, आर्टरी थंब फोरसेप्स को पुट करते हैं, बट ये ओपनिंग जो है यहां पर स्मॉल इंसिजन पुट किए जाते हैं जिसके द्वारा लैप्रोस्कोप को पुट किया जाएगा, और एक एक ऑर्गन को इजिली आप विजुलाइज कर सकते हो, और आपकी नजर कहां होती, मॉनिटर पे, आपकी नजर कहां होती बच्चों, मॉनिटर पे। इस तरीके से आप देखिएगा ये जो डिवाइस यहां पर डिफरेंट यूज किया हुआ, द डिवाइस वी कैन से लैप्रोस्कोप, और हमेशा सुना होगा बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, यही आजकल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। चाहे अपेंडेक्टमी करना हो तो लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की जाती है, चाहे कॉलीसिस्टेक्टमी करना हो तो लैप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टमी की जाती है, ताकि पेशेंट को कम से कम इंसिजन में इजी वे से उस ऑर्गन को कट करके रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सा गैस यूज करते हैं, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा CO2। क्या आएगा, CO2। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तरीका जो होगा एग्जैक्टली दिस इज द वे, ये मॉनिटर होगा, आपकी नजरें सीधा डिवाइस पे होगा। जब भी किसी पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना होता है तो आपकी नजर जो है वो मॉनिटर पे होगा,
आप डिवाइस को एब्डोमन में पुट करोगे और उस पर्टिकुलर जगह जाओगे और वो प्लेस किस में डिटेक्ट होगा, वो मॉनिटर में डिटेक्ट होगा। इस मॉनिटर में क्यों डिटेक्ट होगा? बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट डज हैव कैमरास। और आप मॉनिटर की तरफ देख करके एक एक ऑर्गन को इस तरीके से कट करके रिमूव कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता। दिस इज द वे फॉर द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दिस इज द वे फॉर द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। नेक्स्ट, जब हम बात करें CO2 का, जब हम बात करें CO2 का, तो एक परमानेंट वो MCQ एम्स का फेवरेट यहाँ देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्स जो है उस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है। मैंने एक इमेज आपके सामने पुट किया है, आप इस इमेज को देख के आइडिया लगाइएगा कि ये MCQ के अंदर इस इमेज को किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे। इस इमेज को ध्यान से देख करके आइडेंटिफाई करना, इस इमेज को हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे। बच्चों, इसके अंदर आपको CO2 का लेवल दिख रहा है, CO2 का लेवल दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो CO2 ब्लड में, नॉर्मली हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में CO2 जो है वो 35 to 45 mm ऑफ HG होता है। ये नॉर्मल लेवल है बच्चों CO2 का, ये नॉर्मल लेवल है CO2 का। बिल्कुल नागेश चौहान, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गीता बिल्कुल बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। अनिशा राजवाल बहुत ही बढ़िया, किट्टू गलत चले गए बेटा। आरके सैनी फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। और सही आंसर क्या बोलते हैं? कैप्नोग्राफी। और आंसर लिख लीजिए बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैप्नोग्राफी का पर्पज है टू मॉनिटर कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेटरी गैसेस। याद रखिएगा, ये प्रॉब जो है, ये प्रॉब को हम पुट करते हैं और प्रॉब फाइंड आउट करता है कि पेशेंट का CO2 कितना है, पेशेंट का CO2 कितना है। कैप्नोग्राफी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इट मे बी रिपीटेड अगेन। मैं जहां पर भी आपको हिंट दे रहा हूं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करने का, जो एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने वाले एक लाइन से लेके 10 लाइन तक के सारे MCQ एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं। और नेक्स्ट 2 आवर की जर्नी में वो सब कुछ मिलेगा जो NORSET 2021 में आपसे पूछ सकते हैं। तो डोंट मिस द क्लास। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना होगा। कैप्नोग्राफी आपने पुट किया बच्चों। मैं जब मैंने बात की कि CO2 का कलर जो है, CO2 वाली गैस, गैस का जो सिलेंडर उसका कलर ग्रे होता है, तो हम यहां पर ऑक्सीजन का जिक्र करें। बिल्कुल जिक्र करना चाहिए, ऑक्सीजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर लिखा है कि जब कलर ऑफ O2 सिलेंडर की बात करें, कलर ऑफ O2 सिलेंडर की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं O2 सिलेंडर से JINC टीम के मेंबर को याद रखना, बॉडी जो है वो ब्लैक होगा, टॉप जो है व्हाइट होगा। सिंपल तरीका, मैं हमेशा आपको कहता हूं, जब भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर याद करना हो, अपने JINC टीम मेंबर को देखना, बॉडी ब्लैक नेक व्हाइट। याद रखिएगा, बॉडी ब्लैक नेक व्हाइट, इसका मतलब सीधा है वो O2 सिलेंडर है। कौन सा बच्चों? O2 सिलेंडर है। और ये कई बार एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है O2 सिलेंडर के बारे में। बाकी मैं फंडामेंटल में डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों। दूसरा एक और सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, दैट इज अ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। याद रखते, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन, इसको हम लाफिंग गैस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। कलर जो है ब्लू होता है, कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू होता है। मेन पर्पज है, एज एनाल्जेसिक हम यूज कर सकते हैं, एज एनेस्थेटिक पर्पज से हम यूज कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम यूज कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखना, कलर से पता चल रहा बच्चों ब्लू कलर, ब्लू कलर याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, बॉडी ब्लैक नेक व्हाइट याद रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर ग्रे कलर याद रखना, CO2 सिलेंडर। ओके फाइन, बहुत इजी टू रिमेंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन यदि सिलेंडर पे पूछेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है माय लविंग फ्यूचर जनरेशन और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप हंस करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे, जहां पर एक एक कंटेंट आप तक डिलीवर किया जाता है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, ताकि आप महसूस करें कि मेरा स्टेप बाय स्टेप ये सारा सिस्टम कंप्लीट होता हुआ आगे जाएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो बच्चों। तो हियर यू कैन सी वन मोर गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पर्पज हमेशा क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं। यदि पेशेंट को रेटाइनल डिटैचमेंट हुआ बच्चों,
रेटाइनल डिटैचमेंट है और इसको रेटाइनल डिटैचमेंट को ट्रीट करना है तो हम कौन सी गैस यूज करते हैं? नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है बच्चों। रेटाइनल डिटैचमेंट का पेशेंट है और उस पेशेंट को डिटैचमेंट को ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो क्रायो सर्जरी करते हैं, किसको यूज करते हैं? नाइट्रोजन। उसके अलावा टिश्यूज और सेल को यदि स्टोर करना हो कहीं पर भी लेबोरेटरी में, सेल और टिश्यूज को लंबे समय तक स्टोर करना हो तो डेफिनेटली आप इस गैस का यूज कर सकते हैं, आप इस गैस का यूज कर सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। तो यहां पर मेनली चार गैसेस है, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और वी कैन से ऑक्सीजन। चारों गैस पे एक MCQ डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट लिखा है ग्लिसन कैप्सूल। देखिए बच्चों, एक ऑर्गन हम पढ़ते लीवर, एवरीबॉडी नो वेरी वेल दिस इज द लीवर। ये लीवर की लॉब्स है, ये राइट लॉब्स है, ये लेफ्ट लॉब्स है, और दैट वी कैन से किडनी, दैट वी कैन से किडनी। एग्जैक्टली क्या होता है इस लीवर की जो ये कवरिंग है बच्चों, लीवर की जो ये कवरिंग है, हियर यू कैन सी दैट कवरिंग ऑफ द लीवर, वी कैन से ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। किसकी बनी होती है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेयर ऑफ लीवर या आउटर लेयर ऑफ लीवर दैट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। सभी को पता है आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? ग्लिसन कैप्सूल। क्या लिखना है? ग्लिसन कैप्सूल। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको सीधा आंसर लिखना ग्लिसन कैप्सूल। लीवर की बाहर की वो कवरिंग लेयर जो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, और कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो ब्लड है बच्चों, जो ब्लड है और वी कैन से लिम्फ है, ब्लड और लिम्फ दोनों क्या है? फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बच्चों? फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। तो डेफिनेटली कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू हो गया, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी आपसे पूछा जा सकता है। देन स्टोमक रंबलिंग, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्टोमक रंबलिंग और बारबोरी गमी। देखिएगा, आपने कभी महसूस किया होगा बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, उस आवाज का अलग अलग नामकरण आप करते हो। पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज आती है उस आवाज का अलग अलग नामकरण आप करते हो। मेडिकल टर्म्स में यदि उस आवाज के बारे में हम डिस्कस करें बच्चों, तो याद रखना स्टोमक रंबलिंग बोलते हैं या बारबोरी गमी बोलते हैं, कॉज्ड बाई पेरिस्टाल्सिस एट वॉल ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है, और स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है लाइक दैट। जहां से इसोफेगस एंड हो रहा है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, वहां से बारबोरी गमी साउंड मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आपसे ऐसा भी पूछेंगे सबसे बेस्ट कहां सुनाई देगा, तो आपको आंसर लिखना स्टोमक। आपको आंसर क्या लिखना? स्टोमक। अरे बदमाश बच्चों, जब एक चूहा आपके पेट में घुस गया ना, तहलका मचा देगा। कहना बड़ा आसान होता है पेट में चूहा दौड़ रहा है, वो चूहा नहीं होता, वो बारबोरी गमी साउंड होता है। कैसे होता है? जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, पड़ोसी के घर में अच्छा खाना बन रहा है, तो HCl सिक्रीट होगा, HCl सिक्रीट होगा स्टोमक में, HCl सिक्रीट होगा तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव गैस बनेगी, और डाइजेस्टिव गैस बनेगी, वो गैस जब ट्रेवल करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आवाज करती है, साउंड सुनाई देता है, और उसी साउंड का नाम है बारबोरी गमी। अब तो समझ में आ गया ना, ना चूहा होता है ना बिल्ली होता है, ये डाइजेस्टिव गैस ट्रेवल करती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। और डाइजेस्टिव गैस क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि HCl का प्रोडक्शन होता है। क्यों प्रोडक्शन होता है? क्योंकि भूख लगी होती है, खुशबू अच्छी अच्छी आ रही होती है, टेस्ट को महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना कि कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों रिफ्लेक्स काम करने लग जाती है, तो आवाजें बढ़ती जाती है और खाना खाने के बाद शांति मिलती नहीं मिलती है, तो दैट वी कैन से बारबोरी गमी। बच्चों आज के बाद कभी मत बोलना पेट में चूहा दौड़ता है या बंदर दौड़ता है, कोई नहीं दौड़ता है, पेट के अंदर हमेशा याद रखना
गैस ट्रेवल करती तो ये साउंड सुनाई देता, जिसका नाम है बारबोरी गमी साउंड। ओके फाइन, आपके सामने एक इमेज है और इस इमेज को देख के मुझे आप आइडेंटिफाई करिएगा। यहाँ इमेज में एक इंसिजन आपको दिख रहा होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, यहाँ पर एक इंसिजन आपको दिख रहा होगा। आपको इस इंसिजन को देख करके मुझे बताना होगा कि ये जो इंसिजन है इसका नाम क्या, ये जो इंसिजन है इसका नाम क्या, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इट्स ओके अनवी अनु, इट्स ओके माय डियर, क्विक आंसर पुट करिएगा। इस इमेज को देखें, या एक इंसिजन आपको दिख रहा होगा, इंसिजन को देखना है, उसका राइट आंसर पुट करना बच्चों। मेडिकल टॉक, इंसिजन का नाम पूछा है, ध्यान रखना, इंसिजन का नाम पूछा मैंने, आप गलती कर रहे हो बच्चों, आप गलती कर रहे हो, मैंने इंसिजन का नाम पूछा, मुझे आप इंसिजन का नाम लिखें, इधर उधर की बातें बिल्कुल ना लिखें। आई वॉन्ट, वॉट इज द नेम ऑफ दैट इंसिजन, वॉट इज द नेम ऑफ दैट इंसिजन, माई लविंग फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, फटाफट फाइंड आउट करके आंसर पुट करेगा, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन का सामना करना होगा नॉर्सेट 2021 में, वो इमेज यहीं से जनरेट हो रहा बच्चों, और मैं हर एक टॉपिक की इमेज आपके सामने पुट करने वाला हूं, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो, स्पेशली नॉर्सेट में आंसर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने अपंडक तमिल लिखा है, किसी ने मैकबर्नीस पॉइंट लिखा है, मारे चौके छक्के, कोई बाउंड्री का पता नहीं, फील्डर का पता नहीं, बस दे रहे लगातार, दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे, और ये तरीका आपको आपके सिलेक्शन से रोक सकता है। इसलिए इंसिजन का नाम पूछा तो उतना ही आंसर लिखे, काफी बच्चों ने सही आंसर लिखा है, बहुत सारे नाम है, मैकबर्नीस इंसिजन है रे बदमाश, मैकबर्नीस पॉइंट नहीं बोलते इसको, मैकबर्नीस पॉइंट की जगह हम इंसिजन दे रहे हैं, तो नाम क्या हो गया, मैकबर्नीस इंसिजन हो गया, ग्रिड आयरन इंसिजन बोल सकते हैं, रॉकी डेविस इंसिजन बोल सकते हैं, लांज इंसिजन बोल सकते हैं, और ये देते हैं किसमें, अपंडक टमी में, और अपंडक टमी क्या है बच्चों, हियर यू कैन सी फॉर अपंडक टमी, अपंडक टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, दैट वी कैन से रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है, यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो अपेंडिक्स को रिमूव करना, वी कैन से अपंडक टमी। एग्जैक्टली देखिएगा, एग्जैक्टली हम देखें बच्चों, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, सपोज ये अम्लाइकल वाला पोर्शन, ये जो एरिया है, दैट वी कैन से राइट इलियक क्रस्ट है, इस राइट इलियक क्रस्ट और अम्लाइकल के दोनों के बीच के अंदर ये जो जगह दिख रहा है, इसको हम मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं, मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं, और इसी मैकबर्नीस पॉइंट पे यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो मैकबर्नीस साइन कहलाता है, और उसी जगह यदि हम इंसिजन देते हैं वो मैकबर्नीस इंसिजन कहलाता है, और ये इंसिजन हम ट्रांसवर्स ज्यादातर देते हैं, ऑब्लिक भी दे सकते हैं, और इस इंसिजन के द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, दैट वी कैन से मैकबर्नीस इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन, रॉकी डाविस इंसिजन, लांज इंसिजन, और किस में देते हैं, अपेंडेक्टमी में। लिख लेना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, इस तरीके के इमेज बेस्ड क्वेश्चन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी कंफ्यूज, यू विल बी रेडी टू गिव आंसर, बिकॉज यू आर ट्रू JINCN, यू आर ट्रू हार्ड वर्कर, तो आपके पास हर इंपॉर्टेंट आंसर होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इमेज आपके सामने है, फिर मैंने पूछा फाइंड आउट, और यहां पर एक और इंसिजन आपका इंतजार कर रहा है, जिसका आप राइट आंसर पुट कर पाए, जिसका आप राइट आंसर पुट कर पाए। इस बार ध्यान से देखना, ये पेशेंट का राइट साइड है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है, एक और इंसिजन मैंने यहां पर पुट किया है, मुझे एग्जैक्टली उस इंसिजन का नाम पुट करना है, नाम के साथ कौन सी सर्जरी में वो इंसिजन दिया जाता है, जरूर आप आंसर पुट करिएगा बच्चों। क्विक आंसर किटू, एब्सोल्युटली करेक्ट किटू शान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। अनिशा राजवाल, क्या बात है बेटा, बहुत ही शानदार आंसर, क्विक आंसर पुट करना, यही तरीका, एक एक बच्चे को आंसर पता होना चाहिए, एक एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को आंसर पता होना चाहिए, थोड़ा स्पीड अप रखो, कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए आंसर क्विक पुट करिएगा बच्चों, आंसर क्विक पुट करिएगा। आपने नाम लिखा है बच्चों इसका, कोचर इंसिजन, बिल्कुल सही, इसी का दूसरा नाम है सब कोस्टल। एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आने लग गया, कोचर आपको पता है, कोचर आपको पता है, बट कोचर का दूसरा नाम है सब कोस्टल इंसिजन, और ये किसमें देते हैं बच्चों, कॉलीसिस्टेक्टमी, और कॉलीसिस्टेक्टमी करते किसमें, कॉलीलिथियासिस में, कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन इनटू द गॉल ब्लैडर,
कॉलिलिथियासिस का मतलब होता है बच्चों स्टोन फॉर्मेशन इनटू गॉल ब्लेडर, इनटू गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना कॉलिलिथियासिस कहलाता है। और कॉलिलिथियासिस में स्टोन को रिमूव करने के लिए कॉलिसिस्टेक्टमी करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी करने के लिए ये इंसिजन देते हैं, बिकॉज गॉल ब्लेडर क्या होता है बच्चों, गॉल ब्लेडर जो है सपोज ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, इसी लीवर के इस पोस्टीरियर पोर्शन में इस तरीके से गॉल ब्लेडर जो है वो लोकेटेड होता है। तो ये वो जगह जहां पर गॉल ब्लेडर लोकेटेड होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में कॉमनली रहता है। इस गॉल ब्लेडर को रिमूव करना होगा तो हम लोग कोचर इंसिजन का यूज करते हैं बच्चों, कोचर इंसिजन का, बिल्कुल बाइल रिजर्वायर बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा जब गॉल ब्लेडर के बारे में पढ़ेंगे वहां हम कोचर इंसिजन का यूज करते हैं, वीक सब कोस्टल इंसिजन। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट इंसिजन बच्चों, एक और इंसिजन आपके सामने मैंने पुट किया है, क्लियर आंसर देखना। ये इंसिजन बहुत कॉमन यूज करते हैं, ये इंसिजन बहुत कॉमन यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थोड़ा सोच के आंसर देना। ये इंसिजन का उपयोग बाकी इंसिजन के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। इफ यू हैव आइडिया गिव द आंसर। देखिए मैं हिंट देता हूं, ये लगभग सिम्फाइसिस प्यूबिस के थोड़ा ऊपर है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिक और प्यूबिक बोन के थोड़ा ऊपर है, और इंसिजन जो है वो ट्रांसवर्स दिया हुआ है, इंसिजन जो है वो ट्रांसवर्स दिया हुआ है। मैंने पूछा इस इंसिजन का नाम क्या, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देख बात रुक्मणी बैगरी, बहुत ही शानदार आंसर बेटा, बहुत शानदार, जुगल पंचोरी, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली दैट वी कैन से फेनिस्टियल इंसिजन का दूसरा नाम है प्यूबिक इंसिजन। इसका पैरामीटर आप जानिएगा बच्चों, पी साइलेंट है, देखिए पील साइलेंट है, फेनिक्टियल इंसिजन बच्चों, फेनिस्टियल इंसिजन और प्यूबिक इंसिजन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ये कॉमनली गाइनोकोलॉजिकल सर्जरी और उसके साथ साथ मोस्ट कॉमन सिजेरियन सेक्शन में यूज करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन पढ़ा होगा, मैं पूरा पैरामीटर आपको बताऊंगा, पूरा पैरामीटर आपको बताऊंगा। लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन में जो इंसिजन लगाया जाता है बहुत कॉमनली, उसका नाम है फेनिस्टियल इंसिजन। और याद रखना बच्चों 0.8 to 1.1 inch, मतलब लगभग प्यूबिक बोन या सिम्फाइसिस प्यूबिस है इससे 2 to 3 centimeter अबो लगाते हैं बच्चों, 2 to 3 centimeter आप बोल सकते हो। साहिल खान डोनेटिंग 100 rupees, शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर साहिल, तहे दिल से आपका शुक्रिया बेटा। यहां पर देखिएगा ये सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया है जहां से लगभग 2 to 3 centimeter अबो की ओर हम इंसिजन पुट करते हैं, याद रखना, चाहे आप सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात करें या प्यूबिक बोन की बात करें। और ये लगभग 12 centimeter लॉन्ग, ऐसे आप मानोगे तो लगभग 12 centimeter लॉन्ग ये इंसिजन पुट किया जाता है, दैट इंसिजन वी कैन से फेनिस्टियल इंसिजन या प्यूबिक इंसिजन। किसमें पुट करते हैं, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, किसमें पुट करते हैं बच्चों, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। तो इस पे यदि क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट इंसिजन है जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मैंने कहा कि JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी क्वालिटेटिव कंटेंट आप तक मिलेगा, हर एक कंटेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। ओके फाइन, वन मोर इंसिजन, हियर यू कैन सी, देखना ये पेशेंट का राइट साइड है बच्चों, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है, ये अम्लाइकल एरिया है, ये लेफ्ट इलियक है, ये राइट इलियक है। और अब मुझे आप बताएं इस इंसिजन का नाम क्या, अब आप मुझे बताएं ये जो इंसिजन दिख रहा है यहां पर स्पेशली कौन होता है बच्चों, यहां पर कॉलन होता है, और कॉलन में भी कौन सा होता है बच्चों, सिग्मोइड कॉलन होता है, कौन सा होता है, सिग्मोइड कॉलन होता है। तो यहां ये इंसिजन दिया हुआ है, उस इंसिजन का नाम क्या होगा बच्चों, इंसिजन का नाम क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा। जो इंसिजन यहां पर दिया हुआ मैंने पहले बताया था अपेंडेक्टमी के लिए आयरन ग्रिड और मैकबर्नीज या लांज इंसिजन पुट किया जाता है, दूसरा कॉलिसिस्टेक्टमी में सब कोस्टल इंसिजन और कोचर इंसिजन पुट किया जाता है, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन में फेनिस्टियल इंसिजन पुट किया जाता है,
और यहां पर बच्चों मैंने आपको पुट किया है कि एक लेफ्ट साइड में इंसिजन है, इस इंसिजन का नाम क्या होगा, इस इंसिजन का नाम क्या होगा। इफ यू डोंट हैव आइडिया यू शुड वेट, इफ यू डोंट हैव आइडिया यू शुड वेट, देन इफ यू हैव आइडिया यू शुड गिव द राइट आंसर। आपके पास आइडिया नहीं तो आप वेट करो, यदि आपके पास आइडिया तो आप राइट आंसर पुट करिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट वी कैन से व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द, बिल्कुल कुछ बच्चों ने सही लिखा है रुदर फोर्ड मॉरिसन इंसिजन। बच्चों इसकी दो खासियत है, इसकी दो खासियत है जो रुदर फोर्ड मॉरिसन इंसिजन दो स्पेसिफिक सर्जरी में कंडक्ट किए जाते हैं। बच्चों दो स्पेसिफिक सर्जरी में यूज करते हैं, पहला मैंने लिखा है असेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन, स्पेशली असेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन, मेनली सिग्मोइड कॉलन की सर्जरी में। बच्चों मेनली सिग्मोइड कॉलन की सर्जरी में, और यदि दूसरी तरफ यूज करेंगे तो यह असेंडिंग कॉलन होगा, दूसरी तरफ असेंडिंग कॉलन, बिकॉज ये असेंडिंग कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन इस तरीके से, और ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ये पार्ट होते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लार्ज इंटेस्टाइन के। तो डेफिनेटली असेंडिंग कॉलन में कोई सर्जरी करना होगा तो रुदरफोर्ड को यूज कर सकते हैं, देन सिग्मोइड कॉलन में कोई सर्जरी करना होगा तो रुदरफोर्ड का यूज कर सकते हैं। सबसे खास बात आपको पता होगा बच्चों, रीनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन में सपोज ये आपकी दो किडनी है, ये आपकी दो किडनी है बच्चों, हियर यू कैन सी, ये आपकी दो किडनी है, देन यूरेटर है, देन यूरिनरी ब्लेडर है, देन यूरेथ्रा। अब इस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो कभी भी पेशेंट को जब डोनर मतलब जो रिसीवर जो किडनी रिसीव करता है तो उस पेशेंट को किडनी डायरेक्टली नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं पुट करते हैं। किडनी जो है स्पेशली T12 और L3 के बीच में होता है, थोरसिक 12 और लंबर 3rd वर्टिब्रा के बीच में आपकी किडनी लोकेटेड होता है, ध्यान रखना। तो किडनी किसी पर्सन को ट्रांसप्लांट करना होता तो हम सीधा इस किडनी को निकाल करके दूसरी किडनी नहीं लगाते, पहले हमें क्या करना है, पहले किडनी को फ्लैंक रीजन में प्लेस करना, होता है। और फ्लैंक रीजन कौन सा है, जहां असेंडिंग कॉलम दिख रहा है, जहां सिग्मोइड कॉलम दिख रहा है, यहां प्लेस करने के बाद में रीनल आर्टरी को एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ और इस यूरेटर को डायरेक्टली यूरिनरी ब्लेडर में कनेक्ट किया जाता है और किडनी के फंक्शन को चेक किया जाता है। यदि किडनी अडॉप्ट कर लेती है फिर इस किडनी को यहां से उठा करके यहां पुट करते हैं। पहले किडनी को कहां प्लेस किया, फ्लैंक रीजन में। जब ये किडनी काम करने लग जाती है यहां से पेशेंट को इसके अंदर यूरिन आएगा, सॉरी ब्लड आएगा, फिल्टर होगा और यूरिनरी ब्लेडर से बाहर निकलेगा। और यदि बच्चों ये किडनी इस तरीके से फंक्शन नहीं करती तो रिमूव कर लेते हैं, और फंक्शन करती है तो फिर इसको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में पुट करते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो ये जगह जहां पर किडनी को प्लेस किया जा सकता है, एक ये जगह जहां पर किडनी को प्लेस किया जा सकता है। तो ये इंसिजन रीनल ट्रांसप्लांट में भी इस इंसिजन का यूज किया जाता है। तो दो आंसर देखिएगा बच्चों, असेंडिंग कॉलन सिग्मोइड कॉलन की सर्जरी में और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम इस इंसिजन का यूज करते हैं, इसका नाम है रुदर फोर्ट मॉरिसन इंसिजन। दैट्स गेटिंग एवरीवन, ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले ध्यान से देखिएगा बीएसएफ और एसआई, जो बच्चे एसआई का फॉर्म भर रहे हैं, या जिन्होंने HSSC का फॉर्म भर रखा है, या जिन्होंने CRPF का फॉर्म भर रखा है, इन बच्चों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए स्पेशल कोर्स JINC की तरफ से प्रिपेयर किया गया। बच्चों कोर्स की खासियत क्या है, GK पुट किया गया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, नर्सिंग, वो सारा सिलेबस, और प्राइस सिर्फ कितना बच्चों, 1499। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दैट कोर्स टू मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, क्योंकि टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसको हमेशा कहते हैं भरोसे का दूसरा नाम JINC जोधपुर। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पर जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉग इन करना है, इस कोर्स को सर्च करना है, बाई कोर्स में परचेज करके लॉग आउट करना है। अगेन आप जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हैं बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों, एक इमेज मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर एक इमेज पुट किया और आप मुझे इस इमेज को देख के बताओगे कि ये किस तरीके का प्रोसीजर है, किस तरीके का प्रोसीजर है। क्विक आंसर पुट करें, बिल्कुल क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखना बच्चों, इस प्रोसीजर के अंदर क्या कंडक्ट किया जा रहा है, क्या कंडक्ट किया जा रहा है, क्विक आंसर पुट करना बच्चों। बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। दिस इज द वे हाउ टू गिव एनर्जी टूवर्ड्स योर टीचर। डू इट एवरीबडी, डू इट एवरीबडी माय लविंग फ्यूचर जनरेशन। शाबाश शाबाश, कीप इट अप, कीप इट अप। ज्यादातर बच्चे यहां पर लिवर बायोप्सी लिखते जा रहे हैं, लिवर बायोप्सी आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑर्गन जो दिख रहा है दैट वी कैन से लिवर। अब लिवर बायोप्सी का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन क्या बनेगा, लीवर बायोप्सी जो है किसका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, लीवर सिरोसिस का। याद रखना, लीवर सिरोसिस जो है ये लीवर का वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लीवर सिरोसिस लीवर का वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जहां पर लीवर के पैरेन्काइमल सेल का डिस्ट्रैक्शन और डीजनरेशन हो जाता है, दैट कैन कॉज लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। कल्पना, थैंक यू कल्पना डोनेटिंग 39 रुपीज। इट इज अ लीवर, देखिए लीवर सिरोसिस क्या होगा, इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन विच डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ द लीवर पैरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग लॉस ऑफ द लीवर फंक्शन। अब पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है कि लीवर सिरोसिस का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, लीवर बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं बच्चों, साइटोलॉजिकल बायोप्सी में हम क्या करेंगे, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, स्टडी ऑफ सेल करेंगे बच्चों, सेल की स्टडी करेंगे और सेल के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि इसका डीजनरेशन हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हुआ है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है। वो किसमें पता करते हैं हम लोग, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या, स्टडी ऑफ सेल, दैट वी कैन से लिवर बायोप्सी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा लिवर बायोप्सी पे, कि जब भी पेशेंट को लिवर बायोप्सी किया जाता है, याद रखिए बच्चों, प्लेस फॉर लिवर बायोप्सी एट द 7 to 9 इंटरकोसल स्पेस। मतलब जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं तो नीडल को 7, 8 और 9 ये जो इंटरकोसल स्पेस है इसमें हम नीडल को इंसर्ट करके लीवर के राइट लॉब से, लीवर के राइट लॉब से सेल और टिश्यूज को एस्प्रेट करते हैं बच्चों, लीवर के राइट लॉब से सेल और टिश्यूज को एस्प्रेट करते हैं। और बिफोर और ड्यूरिंग बायोप्सी पोजीशन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि लीवर हमेशा ऑलवेज किधर होता है बच्चों, राइट साइड। और लीवर बायोप्सी करते समय हमें लीवर से सेल और टिश्यूज को रिमूव करना होता है, तो ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी या बिफोर लीवर बायोप्सी आपसे पूछे पोजिशन कौन से देते हैं, तो आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों सुपाइन पोजिशन। ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी और बिफोर लीवर बायोप्सी की बात करें कि कौन सी पोजीशन देते हैं, तो मेरे बच्चों लिखना सुपाइन पोजीशन। और आपसे पूछे आफ्टर तो राइट लेट एटलीस्ट 3 आवर्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्योंकि राइट साइड में जहां आप इंसिजन दे रहे हैं वहां ब्लीडिंग होने की चांसेस ज्यादा है, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, राइट साइड लिटा देंगे। और राइट साइड लिटाने से क्या होगा, आपको राइट साइड ऑफ लीवर को स्प्लिंट के रूप में पोजीशन काम करेगी। स्प्लिंट का मतलब होता है सपोर्ट, स्प्लिंट के रूप में कौन काम करता है, ये पोजीशन काम करेगी। और कौन सी पोजीशन बच्चों, राइट लेटरल, कौन सी, राइट लेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कितने टाइम तक, एटलीस्ट थ्री आवर तक ये पोजीशन देना है। तो पहली बात तो लीवर बायोप्सी का मेन पर्पज है टू फाइंड आउट लीवर सिरोसिस। लीवर बायोप्सी 7 to 9 इंटरकोसल स्पेस में करते हैं। लीवर बायोप्सी करते समय और पहले सुपाइन पोजीशन, करने के बाद राइट लेटरल, और कितने टाइम तक बच्चों, कम से कम 3 आवर, कम से कम 3 आवर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दैट्स गेटिंग एवरीबडी, ओके फाइन। ये तो बात होगी लीवर बायोप्सी की। अब आते हैं बच्चों एब्डोमिनल रीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल रीजन। नंबर में पूछते तो कितना लिखना, 9। नंबर में पूछते तो एब्डोमिनल रीजन कितने होते हैं बच्चों, 9। एग्जैक्टली देखिएगा, ये आपका एब्डोमन है, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका एब्डोमन है और इसको हम 9 पार्ट में डिवाइड करें, 9 पार्ट में डिवाइड करें। दिस इज द 9 रीजन, दीज आर द 9 रीजन बच्चों। ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, क्योंकि रीजन से बहुत कुछ आप लर्न करने वाले, बहुत कुछ आप लर्न करने वाले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी राइट साइड में, ये पोर्शन को बोलते हैं बच्चों राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। याद रखना राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन,
ठीक उसी तरीके से लेफ्ट में आप आओगे तो बच्चों लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक। क्या कहते हैं बच्चों, एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा, जहां पर बहुत सारे बच्चों में आपने देखा एक तो पेप्टिक अल्सर में हम पढ़ते हैं, क्यों गैस्ट्रिक अल्सर का पेन कहाँ होता है, ड्यूडेनल का पेन कहाँ होता है, वहां हमें एपिगैस्ट्रिक रीजन का पता करना पड़ता है। दूसरा बच्चों राइट साइड में राइट लंबर रीजन और लेफ्ट साइड में बच्चों लेफ्ट लंबर रीजन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और बीच वाला जो है वो अम्बिलाइकल, क्या है अम्बिलाइकल। राइट साइड में अगेन राइट इलियक रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक रीजन, और बीच का जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक, क्या कहलाएगा बच्चों, हाइपोगैस्ट्रिक। याद रखना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि योर एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रीजन, तो आपको आंसर क्या लिखना, 9 रीजन। क्या आंसर लिखोगे बच्चों, 9 रीजन, क्योंकि योर लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 9 रीजन, 9 ऑर्गन, योर लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 9 ऑर्गन, याद रखना। ठीक उसी तरीके से योर एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ बच्चों 9 रीजन। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, क्वाड्रेंट में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात आता है कि क्वाड्रेंट जो है वो नंबर में कितने होते हैं, आपको आंसर क्या लिखना है, 4। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका अगेन एब्डोमन है, हम इस एब्डोमन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अगेन पुट कर रहा हूं, ये राइट साइड है, ये बच्चों लेफ्ट साइड है, फिर से पुट कर रहा हूं, योर एब्डोमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्वाड्रेंट, आपको आंसर क्या लिखना, 4। क्या लिखोगे बच्चों, 4। तो एब्डोमेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें मैंने लिखा राइट लोअर, राइट अपर, लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर। वी कैन से राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। नंबर में कितने हो गए बच्चों, 4। नंबर में कितने हो गए बच्चों, 4। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेंगे सीक्वेंस, क्वेश्चन पूछेंगे कि सीक्वेंस टू पैल्पेट, क्वेश्चन को देखना बच्चों, सीक्वेंस टू पैल्पेट क्वाड्रेट बच्चों, कि क्वाड्रेट को पैल्पेट करने का सीक्वेंस क्या होगा, when you do the abdominal examination, जब आप पेशेंट को abdominal examination कर रहे हो तो quadrate को palpate करने का sequence क्या होगा, right lower quadrate सबसे पहले, right upper quadrate दूसरे number पे, then left upper quadrate तीसरे number पे, left lower quadrate चौथे number पे। बच्चों याद रखना इस तरीके से आपको पेशेंट के quadrate को palpate करना होता है ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आगे कुछ डिजीज कंडीशन में हम पैरामीटर को बदलेंगे। सीधा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द सीक्वेंस टू पैल्पेट योर एब्डोमिनल क्वाड्रेट, नंबर में 4 है, हमेशा डियर नर्सेस ऑलवेज स्टैंड राइट साइड ऑफ द पेशेंट, व्हेनेवर शी इज डूइंग केयर, शी इज डूइंग प्रोसीजर, कुछ भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है तो डियर नर्सेस हमेशा किस तरफ खड़ी होती है, राइट साइड, किस तरफ खड़ी होती है, राइट साइड। तो याद रखना राइट लोअर क्वाड्रेंट पहले, राइट अपर दूसरे नंबर पे, लेफ्ट अपर फिर से और लेफ्ट लोअर फिर से, उल्टा यू बनाना इंग्लिश में, उल्टा यू बनाना बच्चों इंग्लिश में। अब एक और क्वेश्चन बनेगा, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हाई पिच साउंड आप सुनते हो, हमेशा हाई पिच साउंड सुनते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में इलियोसीकल एरियाज में सुनते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन हाई पिच साउंड को जब भी सुनते हैं, जोर से जो साउंड सुनाई देता है, जहां पर इलियम एंड होता है और जहां पर बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो बीच में एक पोर्शन होता है सीकम, वहां पर इलियोसिकल वॉल होता है, वहां पर इलियोसिकल वॉल होता है, और जैसे ही इलियम से वेस्ट एंटर करता लार्ज इंटेस्टाइन में तो बीच में सीकम आता है, वहां जो साउंड सुनाई देता है वो सबसे लार्जेस्ट है और वीक से हाइएस्ट है। कहां सुनाई देगा वो, इलियोसिकल एरियाज में, और क्वाड्रेट कौन सा होगा, राइट लोअर क्वाड्रेट, कौन सा होगा, राइट लोअर क्वाड्रेट। अब 2-3 एमसीक्यू पूछता हूं बच्चों, एक इमेज आपके सामने दिख रहा है, चारों क्वाड्रेट मैंने आपको पुट किया, क्वेश्चन ये कहता है कि टू पैल्पेट टेंडरनेस ऑफ अडल्ट अपेंडिक्स, मतलब क्या करना है, पेशेंट के अडल्ट के अपेंडिक्स का टेंडरनेस आपको पैल्पेट करना, पेशेंट को क्या है,
अपेंडिसाइटिस है जिसकी वजह से टेंडरनेस हुआ है, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेयर शुड यू बिगिन, कहां से आप स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा, कौन से क्वाड्रेंट से पैल्पेट करना स्टार्ट करोगे? याद रखना, एक होता है टेंडरनेस, एक होता है सिम्टम। दो क्वेश्चन बताऊंगा। टेंडरनेस तो हमेशा तभी मिलेगी जब हम उस ऑर्गन पे जाएंगे। टेंडरनेस हमेशा तभी मिलेगी बच्चों, टेंडरनेस को जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो उस ऑर्गन के ऊपर, ऑन द ऑर्गन पैल्पेट करेंगे तभी पता चलता, पैल्पेट करेंगे तभी पता चलता। तो सीधी सी बात है कि एग्जैक्टली हम कहाँ पैल्पेट करेंगे, एग्जैक्टली हम कहाँ पैल्पेट करेंगे? चार ऑप्शन है, मुझे एक ऑप्शन पुट करेगा, क्या बात है? राइट लोअर क्वाड्रेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो था आसान एमसीक्यू, ये तो था आसान एमसीक्यू, जब ये पूछा कि आपको सीधा टेंडरनेस का पता लगाना है पेशेंट को, अपेंडिक्स के ऊपर की टेंडरनेस आपको पता है कि अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है, तो मेरे बच्चों ने सही आंसर पुट किया। अब एक और एमसीक्यू जो आपको डाइवर्ट कर सकता है, जो आपको डरा सकता है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, जो आपको डरा सकता है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एग्जामिनिंग ए पेशेंट विद द एब्डोमिनल पेन, मरीज को एब्डोमिनल पेन हो रहा था और उसको एग्जामिनिंग एग्जामिन कर रहा है, नर्स इन चार्ज शुड असिस्ट, ध्यान से सुनना, नर्स इन चार्ज शुड असिस्ट, मतलब क्या है? एक पेशेंट है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और पेट के दर्द को असिस्ट किया जा रहा है। अब दर्द पेट में किस ऑर्गन की वजह से, ये हमें नहीं पता, वी आर गोइंग टू बी मॉनिटर, वी आर गोइंग टू बी असिस्ट, तो डियर नर्सेस कैसे असिस्ट करेगी, कैसे असिस्ट करेगी? याद रखिएगा बच्चों, एनी क्वाड्रेंट फर्स्ट, किसी भी क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले असिस्ट करेंगे, या सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को फर्स्ट असिस्मेंट करेंगे, या सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को सबसे लास्ट में असिस्ट करेंगे, या बच्चों सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट आइदर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड पे जाके असिस्ट करें। क्या बात है रजनी माथुर, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, एक पेशेंट है, डेफिनेटली ये पेशेंट था, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके पास ये चार क्वाड्रेंट है और पेन कहां हो रहा है? सपोज यहां पर पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट जो है, या इसका आंसर क्या होगा, हम किस तरीके से उस पेशेंट का बिगिंस करेंगे, शुरुआत करेंगे, किस पेशेंट का किस तरीके से शुरुआत करेंगे बच्चों? क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट पार्टिसिपेशन, और इस तरीके से आप आंसर पुट करें, आई होप कि यू विल बी एंजॉय फॉर नेक्स्ट सेशन। सी आपका राइट आंसर, बिकॉज सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को हमेशा लास्ट में असिस्ट करते हैं। क्यों? सपोज पेशेंट को पेन हो रहा है और आपने यहां पर पैल्पेट किया, तो मसल जो है, मसल क्या होगा बच्चों? स्टिफ होगा, मसल स्टिफ होगा, तो ये क्वाड्रेंट भी अफेक्ट करेगा, ये क्वाड्रेंट भी अफेक्ट करेगा, ये क्वाड्रेंट भी अफेक्ट करेगा, और हम यहां पर एग्जैक्टली पेशेंट के पैरामीटर को चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है तभी आपको सिम्टोमेटिक को असिस्ट करना, अदरवाइज डॉक्टर विल बी कम, क्योंकि मे बी फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकता है। हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखना है सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को लास्ट में, इट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इट असिस्ट अदर क्वाड्रेंट। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो टेंडरनेस का क्वेश्चन मैंने बताया, वहां पर आप सीधा टेंडरनेस को देखना होता है, यहां पर आपको सिम्टम्स में पेन बताया और पेन एब्डोमन में हो रहा है, किसी क्वाड्रेंट का नाम नहीं है, तो आपको सबसे पहले या सबसे लास्ट में किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना। बहुत ही बढ़िया अवनी यादव, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, और आई होप यू विल बी एंजॉय लॉट। नेक्स्ट देखिएगा, इकोलाई, पोलियो वायरस, साल्मोनेला टाइफी, ये सारे कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके बॉडी में, इंटेस्टाइन होते हैं। एग्जाम में इकोलाई पे क्वेश्चन आता है, बिकॉज इकोलाई क्या कॉज करता है बच्चों? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। यूटीआई कॉज कौन करता है? इकोलाई। इकोलाई क्या कॉज करता है बच्चों? फिर से बता रहा हूं, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करता है, जिसमें ये 50% रिस्पॉन्सिबल होता है, यूटीआई में ये 80% रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट वी कैन से इकोलाई। उसके अलावा पोलियो वायरस है, साल्मोनेला टाइफी है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? इंटेस्टाइन में। कहां प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके अलावा पेयर पैचेस जो है, ये बच्चों क्या है? फेगोसाइटिक सेल है,
वी कैन से फेगोसाइटिक सेल है, और ये फेगोसाइटिक सेल सिक्रीट कहां से हो रहा है, इलियम से। सिक्रीट कहां से हो रहा है, इलियम से, और कहां पर जाकर के फाइंड आउट स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर जाके क्या करता है फेगोसाइटोसिस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम देन जुजिनम देन इलियम। जुजिनम वो पार्ट है जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है। जब कोई भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ब्लड में पहुंचेगा उससे पहले उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कौन करता है बच्चों, पेयर पैचेस। काम कौन करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पेयर पैचेस, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी, ओके फाइन। देन केमिकल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा बच्चों, सिर्फ वेस्ट जाता है। इंटेस्टाइनल टीबी हमेशा कॉमनली कहाँ है, इलियम में फाइंड आउट होता है। इंटेस्टाइन में यदि टीबी डेवलप हुआ तो इलियम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। सबसे ज्यादा वो टीबी जो है इंटेस्टाइन की कहाँ पे डेवलप होगा बच्चों, इलियम। कहाँ डेवलप होगा, इलियम। और लैक्टेज जो है ये लिम्फेटिक वेसल से बच्चों याद रखना, और इसका काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होकर के फैट एंड फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, ये जो विटामिन है बच्चों इनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनको एब्जॉर्ब करने में ये एक लिम्फेटिक वेसल रोल प्ले करता है। कहां होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखा बाइल जो है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बाइल डाइजेशन ऑफ द फैट, क्वेश्चन पूछेंगे ये जो बाइल है ये बाइल सिक्रीट कौन करता है, ये हिपेटोसाइट सेल करता है बच्चों। हिपेटोसाइट जो है ये सेल करता है। हिपेटोसाइट सेल किस में होता है, ये लीवर में होता है। बाइल का काम क्या बच्चों, ब्रेक डाउन। बाइल का काम क्या है, ब्रेक डाउन और इमल्सीफाई। इमल्सीफाई क्या बच्चों, इमल्सीफाई करता है फैट को, ब्रेक डाउन करता है फैट को। इमल्सीफाई करने का काम किसका होता है, दैट वी कैन से स्पेसिफिक सब्सटेंस इज अ बाइल, दैट वी कैन से बाइल। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लीवर का एक सेल है जिसका नाम है हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल किसको सेक्रीट करता है, बाइल को। बाइल का काम क्या, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट या फैट को इमल्सीफाई करना, ये फैट को इमल्सीफाई करना। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और इसी स्पीड से चलेंगे तो हम कंटेंट को कवर करके पाएंगे। अदरवाइज वो वाला जो दुनिया करती, 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा के बोला हो गया सिस्टम, आई एम सॉरी टू से मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बेसिक से लेके जाऊंगा एनक्लिक्स मौसमी तक, मैं आपको हर वो पैरामीटर देना चाहता हूं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मेरा स्पीड ज्यादा हो सकता है, बट मैं कंटेंट को छोड़ना नहीं चाहूंगा। जो कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आई विल ट्राई टू पुट ईच एंड एवरीथिंग इन द फ्रंट ऑफ यू, देन ओनली वी गेट सेलेक्शन। यही तरीका कि कंटेंट आप तक पहुंचेगा तो आप सेलेक्ट होंगे। तो प्लीज स्पीड मेरी ज्यादा हो सकती है, यू शुड ट्राई टू कॉपरेट। और स्पीड ज्यादा नहीं रख पाए तो वो कंटेंट आप तक नहीं पहुंच पाएगा जो मुझे जितने टाइम में देना चाहिए, क्योंकि कल एक नया टॉपिक आ जाएगा। और आपको कोशिश करना मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसको जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिएगा, ये कंटेंट आपके लिए हमेशा रहेगा, एग्जाम तक रहेगा। इसीलिए स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है, मैं कोशिश करता हूं कंटेंट को 24 आवर्स पहले बता देता हूं, ताकि आप पढ़ के आए क्विक रिविजन के साथ, डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ, इस कंटेंट को हम सिस्टमेटिकली रिवाइज कर सकें। क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा मेरा बेस्ट आपके सामने डिलीवर करने का, और स्पीड रखने के साथ मैं अपना सारा कंटेंट आप तक देने की कोशिश करूंगा बच्चों, ओके फाइन। शुक्रिया अमित, बिल्कुल CNCI, मैं यही कहता हूं, आपको पूरा अधिकार है, आप अपने JINC को देखें कि क्या JINC टीच करता है, जो क्या JINC पढ़ाता है वो एग्जाम में कितना आता है। मैं हमेशा यही कहता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका JINC कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपने बार बार असिस किया होगा, बार बार मॉनिटर किया होगा। और असली परीक्षा NORSET 2021 है बच्चों, जब तक हर एग्जाम में आपका JINC अव्वल रहता है, टॉप रहता है, मैक्सिमम सिलेक्शन देता है, बट जो सबसे बड़ा सपना आपने और आपके परिवार ने देखा है वो NORSET है, और वहां तक ले जाना JINC की जिम्मेदारी है, जो बच्चा JINC परिवार से जुड़ा है। तो अपना भरोसा कायम रखिएगा, ईमानदार बन के पढ़िएगा, नेगेटिविटी को घर पे रख के आके पढ़िएगा। और आप कभी कभी पढ़ते भी और नेगेटिव थॉट के साथ आओगे तो भेजे में कुछ नहीं घुसेगा, इसलिए
आप पॉजिटिव रहोगे तो सीखने में पढ़ने में मजा आएगा, और टीचर पॉजिटिव रहेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा, और यही एक कम्युनिकेशन है जो आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको डेडिकेटिव बनाता है, आपको हंगर टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इसी तरीके से जेएनसी परिवार के साथ अपना प्यार और स्नेह बना के रखेंगे। काइम का कुछ बार मीनिंग पूछा हुआ है, पहली बात तो बच्चों ये काइम जो है स्टोमक में होता है, याद रखना ये कहां पर होता है पूछे तो स्टोमक, क्योंकि स्टोमक का फंक्शन है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड का मतलब आधा, पार्शली डाइजेस्टेड फूड का मतलब आधा बच्चों, और याद रखिएगा पार्शली डाइजेस्टेड फूड कौन करता है, स्टोमक करता है। ऑर्गन का नाम पूछे तो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय काइम तो भी लिख सकते हो पार्शली डाइजेस्टेड फूड बच्चों, ओके फाइन। द नॉर्मल पोर्टल प्रेशर कई बार पूछा हुआ बच्चों, नॉर्मल पोर्टल प्रेशर किसका होता है, याद रखना पोर्टल वेन का होता है बच्चों, पोर्टल वेन का होता है, और पोर्टल वेन जो है ब्लड किसको देती है, यह ब्लड देती है बच्चों लीवर को, किसको देता है लीवर को, और ये कितना परसेंट ब्लड देती है लीवर को, 80%। और ये ब्लड कौन सा होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है बच्चों, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, इसीलिए पोर्टल वेन का नॉर्मल प्रेशर 5-10 mm ऑफ Hg होता है, और 7-14 cm H2 होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन। नेक्स्ट बाइलरी ट्रैक का प्रेशर पूछते हैं, 5-10 cm H2। बाइलरी ट्रैक कहां से होगा, ये आपका लीवर है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये आपका कॉमन बाइल डक्ट है, और ये जो प्रेशर होगा ये आपका बाइलरी ट्रैक्ट ऑर्गन है। बाइलरी ट्रैक्ट का मतलब बाइल का प्रोडक्शन करने वाला, बाइल को स्टोर करने वाला, दोनों का ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहां जो प्रेशर उसको क्या बोलते हैं, बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर, क्या बोलते हैं बच्चों, बाइलरी ट्रैक्ट प्रेशर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। जीआई ट्रैक्ट की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, माउथ से स्टार्ट होगा, जीआई ट्रैक्ट माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक रहेगा, और इसकी लंबाई 16.5 से 23 feet होगा बच्चों, और मैंने लिखा है दूसरी तरफ मीटर में 5-7 meters, याद रखना बच्चों, क्योंकि जैसे ही पेशेंट की डेथ होगा, जैसे ही पेशेंट कैडेवर हो जाएगा, जैसे ही पेशेंट की डेथ होगा, जैसे ही पेशेंट का कैडेवर होगा, तो कैडेवर में क्या हो जाएगा, अटोनिया हो जाएगा बच्चों, अटोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ टोनिसिटी ऑफ मसल, मतलब पेशेंट की डेथ हो गई, मसल नर्व सप्लाई रुक गया, टोन लॉस हो जाएगी, तो लेंथ बढ़ जाएगी बच्चों, तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेंथ कितना हो जाएगा 7-9 meters। कैडेवर का मतलब हमेशा होता है मरा हुआ, डेथ होने के बाद नर्व सप्लाई जाएगा तो मसल की टोनिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मसल की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, मसल की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, तो दैट वी कैन से लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ओके फाइन। नेक्स्ट लिखा बच्चों यूवेला, आपको पता ना बीच में एक लटकने वाला ऑर्गन होता है, जब आप ओरल कैविटी को ओपन करते हो, जब आप माउथ को ओपन करते हो तो एक हैंगिंग ऑर्गन दिखता है, उस हैंगिंग ऑर्गन का नाम क्या, यूवेला, उस हैंगिंग ऑर्गन का नाम क्या बच्चों, यूवेला, और यूवेला जो है कहां हैंगिंग डाउन है बच्चों, ओरल कैविटी के माउथ में, और क्लियर लिखा है इसका काम है मूव सुपीरियरली टू क्लोज ऑफ द नेजो फैरिंग्स, क्योंकि फैरिंग्स जो है वो तीन जगह कनेक्ट होता है, नो से कनेक्ट होगा नेजो फेरिंग्स, माउथ से कनेक्ट होगा ओरो फेरिंग्स, लैरिंग से कनेक्ट होगा दैट वी कैन से लैरिंगो फेरिंग्स, तो याद रखना ये नेजो फेरिंग्स को ऑफ कर देता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल एंटर ना हो, फूड पार्टिकल एंटर होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है, और यदि ये काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट को नेजल रीगर्जिटेशन हो सकता है, रीगर्जिटेशन को बोलते हैं बच्चों बैक फ्लो, क्या बोलते हैं बैक फ्लो, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करने से पहले, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग जस्ट पास आउट हुए हैं बच्चों, बीएससी नर्सिंग पास आउट हुए हैं, या बच्चे जीएनएम पास आउट हुए हैं, जीएनएम और वी कैन से पीबीबीएससी, या जो बच्चे एलिजिबल नहीं है नॉर्सेट के लिए, या जो सीएनओ का प्रिपरेशन करना चाहता, पोस्ट बीएससी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहता, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहता, और इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए टीम जेएनसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है बच्चों। और मैं बता देता हूं इस कोर्स के अंदर जीके को भी ऐड कर दिया, इस कोर्स के अंदर इंग्लिश को भी ऐड कर दिया, 1100+ वीडियो हो चुके हैं बच्चों, 1100+ वीडियो हो चुके हैं जिसमें कंप्लीट नर्सिंग रिसर्च एडमिन एजुकेशन
फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इमरजेंसी नर्सिंग, प्रीवियस ईयर का पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सब कुछ इस पूरे सिलेबस में आज ही आपको मिलेगा और इसका प्राइस है 6499। यदि आपने सपना देखा है ना नर्सिंग प्रोफेशन में कुछ करने का या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का सपना देखा है, तो ये सपना सिर्फ कुछ ही कदम आपसे दूर है, क्योंकि जेआईएनसी ने पूरा सिलेबस आपके सामने पुट कर दिया है, जहां पर नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स, ओटी, आईसीयू सब कुछ दिया है। मैं कहता हूं वन सिलेबस या वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। तरीका वही है, प्ले स्टोर पर जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में मेल आईडी से लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद कोर्स पे बाई कोर्स पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों एक इमेज दिखाया, फटाफट आंसर पुट करिएगा, इस इमेज को देखिए, राइट आंसर पुट करिएगा, इमेज को देखिएगा, राइट आंसर पुट करिएगा। बच्चों ये पेशेंट के स्ट्रेचेस थे, और स्ट्रेचेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, डिवाइड हो गए। स्ट्रेचेस क्या हुए बच्चे, सेपरेट हो गए, मतलब पेशेंट का एब्डोमन सर्जरी हुआ, पेशेंट के एब्डोमन की सर्जरी हुई है, एब्डोमन की सर्जरी के बाद में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से एब्डोमिनल जो सूचर थे वो सेपरेट हो गए, ये सूचर जो थे ये सेपरेट हो गए, डिवाइड हो गए। इस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे बच्चे सही आंसर पुट करें, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, लगभग मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर पुट किया, क्या बात है, क्विक पार्टिसिपेट बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इसको बोलते हैं डेशंस, डेशन का मतलब होता है बच्चों डिवीजन, या वी कैसे डिवाइड सूचर, या डिवाइड को बोल सकते हैं सेपरेट, या सेपरेशन ऑफ सूचर बोल सकते हैं। मतलब क्या था, पेशेंट को सूचरिंग किया और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से सूचर अपनी जगह से सेपरेट हो गए, इस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या, डेशंस। इस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या बच्चों, डेशंस। याद रखिएगा, डेशंस और एविसरेशन पे क्वेश्चन 200% आता है बच्चों, इमेज बेस भी आता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, डेशंस और एविसरेशन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं बच्चों। एक क्वेश्चन लिखा है, वुंडेशन सेपरेट ऑफ द वुंड एज एट द सूचर लाइन यूजुअली अकर, मतलब ये जो डेशंस था ये नॉर्मली कब डेवलप होता है या कब कोज होता है। आंसर लिखा है 1 to 2 days आफ्टर सर्जरी, 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी, 6 to 8 days आफ्टर सर्जरी, या विदिन 24 hours आफ्टर सर्जरी। ये कॉम्प्लिकेशन कॉमनली कब डेवलप होता है, ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल सर्जरी के बाद होता है। यहां पर पूछा ये कॉम्प्लिकेशन कब डेवलप होता है बच्चों, वुंडेशन सेपरेशन ऑफ वुंड एज एट द सूचर लाइन यूजुअली अकर। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, क्विक पार्टिसिपेट। सारा आज का कंटेंट बच्चों आपको मुझे आज ही देना है, फटाफट स्पीडअप रहिएगा। सी आपका आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल। चाहे डेशंस की बात करो चाहे एविसरेशन की बात करूं, दोनों ही सर्जरी के 6 to 8 hours बाद डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन है बच्चों। याद रखिएगा, मैंने यहां उंड एविसरेशन पुट किया, यहां पर डेशंस है बच्चों और यहां पर उंड एविसरेशन है। मैं बता देता हूं, ये दोनों ही जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब 200% ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, 200%। एम्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कि डेशंस क्या होता है, डी से याद रखना बच्चों, डिवीजन और सेपरेशन ऑफ सूचर आफ्टर 6 to 8 days ऑफ सर्जरी, और एविसरेशन में ई से याद रखना एग्जिट, और एग्जिट को बोलते बच्चों बाहर आना, मतलब सीधा प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन अकर 6 to 8 days आफ्टर सर्जरी। मतलब सीधा, ये भी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 6 to 8 days सर्जरी के बाद में डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन है दोनों। दोनों की खासियत बताऊंगा, दोनों सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद डेवलप होते हैं। डेशन से डिवीजन याद रखना, सेपरेशन याद रखना सूचर का, एविसरेशन से
एग्जिट याद रखना, बाहर आना याद रखना, मतलब सीधा कि जो सूचरिंग साइट थी वहां से इंटरनल ऑर्गन बाहर की ओर प्रोड्यूस होंगे, दैट वी कैन से वुंड एविसरेशन। मोस्ट कॉमन अमंग द ओबेज, ज्यादातर ओबेसिटी वाले पेशेंट को होता है जिसका पेट मटके जैसा होता है, हु हैव हैड एब्डोमिनल सर्जरी और हु हैव पुअर हुंड हीलिंग एबिलिटी। या तो उनको एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है या हुंड का हीलिंग एबिलिटी पुअर था, तो हुंड अपनी जगह से सूचर को सेपरेट कर दिया, अंदर के ऑर्गन बाहर आ गए। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और इस हुंड को हमेशा देखें तो ये इमरजेंसी कंडीशंस में, एविसरेशन दोनों में, एविसरेशन ऑर्गन जो थे, ऑर्गन जो थे ये क्या हो गए बच्चों, आउट हो गए, बाहर आ गए, तो ये कंडीशन दोनों में ज्यादा सीरियस है, ज्यादा इमरजेंसी वाली वो कंडीशन है जहां पर तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, नीड फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट मोडलिटीज। अब बात करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की। मैंने एक इमेज दिया है, अब देखिएगा मैंने यहां डेशंस पुट किया, डेशंस का मतलब क्या था, सूचर का सेपरेट होना। दूसरा मैंने एविसरेशन पुट किया, एविसरेशन में आपको इंटेस्टाइन बाहर आया हुआ दिख रहा होगा, मतलब सीधा ई से मैंने कहा एग्जिट, ई से कहा एग्जिट, और डी से मैंने कहा बच्चों डिवाइड, और दोनों 6 to 8 hours आफ्टर सर्जरी, 6 to 8 days आफ्टर सर्जरी कॉमनली डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन है बच्चों। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्लियरली मैंने पुट किया है, चाहे डेशंस की बात करें चाहे एविसरेशन की बात करें, 6 to 8 days, 6 to 8 days आफ्टर सर्जरी डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो भी आपको ध्यान रखना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि विच पोजीशन विल एडमिनिस्टर पेशेंट विद द डेशंस और एविसरेशन, मतलब ये दोनों वो कॉम्प्लिकेशन थे जो 6 to 8 days आफ्टर सर्जरी डेवलप हो रहे थे बच्चों। तो इनका रीजन क्या था, इनका रीजन क्या था बच्चों, इंक्रीज एब्डोमिनल, इनका रीजन क्या था, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी होगी तो पेशेंट का एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा, और एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन लिखा बच्चों हाई फाउलर 80 to 90 degrees लिखा बच्चों हाई फाउलर के अंदर, दूसरा फाउलर में 45 to 60 लिखा हुआ है, देन सेमी फाउलर में 30 to 45 लिखा हुआ बच्चों, और लो फाउलर में 15 से 30 लिखा हुआ है। इन चारों में से कौन सी पोजिशन प्रीफर करेंगे, सीधी सी बात है बच्चों लो फाउलर, मतलब पेशेंट को सीधा लिटाएंगे, क्योंकि पेशेंट को यदि फाउलर सेमी फाउलर दोगे तो एब्डोमिन पे प्रेशर आएगा, सीधा लिटा देंगे, थोड़ा सा हेड को एलिवेट कर देंगे, 15 से 30 डिग्री एंगल की पोजीशन देंगे, नी बेंड करेंगे ताकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है, टेंशन जो है वो कम होगा, तो सूचर जो है वो स्ट्रेच आउट नहीं होगा, स्ट्रेच आउट नहीं होगा। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एविसरेशन और डेशंस वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, लो फाउलर याद रखना बच्चों, लो फाउलर पोजीशन देते हैं। लो फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए लो फाउलर पोजीशन को प्रिफर किया जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत बढ़िया। बाद में लिखा है कि जब भी पेशेंट का, यदि पेशेंट को एविसरेशन हो गया और ऑर्गन जो है, ऑर्गन जो है ये आउट आ गया, इस ऑर्गन को कौन से सब्सटेंस से हम क्लीन करेंगे, तो आपको आंसर लिखना नॉर्मल स्लाइन, क्योंकि ईसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट जब करते हैं, ईसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, हम नॉर्मल स्लाइन को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, हम नॉर्मल स्लाइन को यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब भी पेशेंट को बीसीजी आउटसाइड जो ऑर्गन दिख रहा है उस ऑर्गन को वॉश करना होगा, तो नॉर्मल स्लाइन बेसिले कैलमिटे ग्यूरिन बीसीजी वैक्सीन जो टीबी के लिए यूज करते हैं, और बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किसके साथ करते हैं बच्चों, नॉर्मल स्लाइन के साथ। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, स्टेपल आर रिमूव्ड यूजुअली आफ्टर, यदि किसी पर्सन को एब्डोमिनल सर्जरी किया है, यदि किसी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी किया है और सर्जरी करने के बाद यदि स्टेपल किया है, याद रखना बच्चों सूचरिंग का ड्यूरेशन अलग होगा, स्टेपल को निकालने का ड्यूरेशन अलग होगा, यदि स्टेपल किया है तो कितने दिन में रिमूव किया जाएगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। यदि किसी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ बच्चों, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है
और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में यदि स्टेपल को रिमूव करना है तो कम से कम कितने दिन बाद रिमूव किया जा सकता है बच्चों? शुक्रिया दुर्गेश, कितने दिन बाद रिमूव किया जा सकता है? एक एक को पैरामीटर के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम, अभी तक तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहा हूं बच्चों, एक एक ऑर्गन को हम स्टार्ट करेंगे तो क्विक आंसर पुट करेगा कि कब हम रिमूव करते हैं बच्चों। जब भी पेशेंट को स्टेपल किया है तो रिमूव करने का ड्यूरेशन 7 से 14 दिन होगा, और यदि पूछे सूचर है तो 7 से 10 दिन के बाद रिमूव करते हैं बच्चों। दोनों में डिफरेंस जरूर देखिएगा, सूचर का ड्यूरेशन हमेशा अलग रहता है, स्टेपल का ड्यूरेशन हमेशा अलग रहता है। एग्जाम में कभी आपको सूचर का पूछते हैं, कभी आपको स्टेपल का पूछते हैं, तो मान के चलिएगा स्टेपल 7 से 14 दिन में रिमूव किया जाता है। और ये बात किसकी बता रहा हूं बदमाश बच्चों? ये एब्डोमन की बता रहा हूं, याद रखना, एब्डोमन के सूचर की रिमूवल की बात कर रहा हूं मैं, एब्डोमन के सूचर की रिमूवल की बात कर रहा हूं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये कि यहां पर एक इमेज दिया हुआ और ये एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है, प्रीवियस एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है। इस इमेज का नाम पूछते हैं बच्चों, इस इमेज का नाम पूछते हैं तो क्विक आंसर पुट करिएगा, इस इमेज का नाम क्या होगा? फटाफट आंसर पुट करिएगा, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया अनुष्का गुप्ता, एक इमेज आपके सामने है, ये एम्स दिल्ली ने पूछा था कि इमेज का नाम क्या, इमेज का नाम क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया इकबाल, थैंक यू माय डियर, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। स्टेपल, बिल्कुल सही, इतना आसान नाम था, एम्स ने पूछा था और घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो स्टेपल है जो हम सूचरिंग करते हैं, ये वो स्टेपल है जो बच्चों हम सूचरिंग करते हैं, और सूचर स्टेपल का फोटो दिया था और बच्चों से इस आर्टिकल का नाम पूछा था। अगली बार रिपीट हो तो JINCN को ये पता होना चाहिए, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम। मैंने कोशिश करूंगा हर इमेज को जहां जरूरत है वहां पुट करूं ताकि आप लंबे समय तक याद रख सके, क्योंकि एम्स दिल्ली कम से कम नॉर्थ सेट में 20-40 इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, 20-40 इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और मैं चाहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को टिप ऑफ द टंग पे आंसर होना चाहिए। हर वो इमेज आपको दिखाऊंगा, हर वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल का फोटो आपको दिखाऊंगा ताकि आप जब भी रिवाइज करें, जब भी याद करें, आपका आंसर टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। और मैं पूरा भरोसा है कि मैं यदि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे से ज्यादा मेहनत करोगे, और तब तो सिलेक्शन होना ही है बच्चों। टीम JNC सिद्धत से लगी हुई है, डेली 4 घंटे की क्लास में वो कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है जो कंटेंट आपको आपके सपने तक लेके जाएगा। कहते हैं ना बच्चों, मैदान में आप खड़े हो, ध्यान रखते, मैं हमेशा कहता हूं मैदान में बैटिंग आप कर रहे हो, और यदि आप लास्ट तक टिके रहोगे तो जीत आपकी होगी। इन बिटवीन फास्ट बॉलर भी आएगा, स्पिनर भी आएगा, रन आउट का मौका भी आएगा, कैच आउट का मौका भी आएगा, यदि सही बैटिंग कर ली ना मेरे बच्चों तो नॉर्थ सेट दूर नहीं है। मतलब कई डाइवोशनल फेज आएंगे, ये कर ले, वो कर ले, चांद पे चला जा, छत पे चला जा, बट याद रखना आप JNC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, JNC का MCQ बैच पढ़ रहे हो, और यहां पर हर वो क्वेश्चन आप तक देने की पूरी जवाबदारी है ताकि मैक्सिमम सिलेक्शन हमेशा की तरह आपके JINCK के हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा अलर्ट रहना है, क्लास है 2 घंटे की हो 4 घंटे की, एनर्जी कम नहीं होनी है, हंगर कम नहीं होना है, इंटरेस्ट को बनाए रखना है, सपने के जिंदा रखने के साथ साथ सपने को देखते रहना है कि बस कुछ महीनों का फासला बचा है, इस बार नॉर्थ सेट पार, बस इस सपने के साथ जिएगा बच्चों। अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा, ओके फाइन। नेक्स्ट एक और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं और वीकेंड से जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो दोनों का मेथड अलग अलग होता है। यहां पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का मेथड अलग क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें ऐसा पूछेंगे सीक्वेंस, हमेशा क्या पूछेंगे सीक्वेंस पूछते हैं। यहां पर एक पेशेंट लेटा है, इस पोजीशन का नाम है बच्चों डॉर्सल, ध्यान से देखना बच्चों, डॉर्सल रिकमेंडेड, रिकमेंडेड पोजीशन, इस पोजीशन का नाम है डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इसमें क्या है, पर्सन सीधा लेटा हुआ है, पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, लेग जो है वो कहां से फ्लेक्स है बच्चों, नी, नी किसको बोलते हैं, घुटनों से, नी यहां पर क्या फ्लेक्स्ड है, नी फ्लेक्स होने का रीजन क्या है, नी क्या करेगी, एब्डोमिनल जो मसल्स होती है, ध्यान से देखना बच्चों, एब्डोमिनल जो
मसल्स होती है उसको रिलैक्स कर देती है। क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है। मतलब सीधा है, आप सीधे लेटे हो, सीधे लेटे हो, सुपाइन पोजीशन में लेटे हो, यदि घुटनों को मोड़ लेते हैं तो एब्डोमिनल मसल रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप हॉस्पिटल में आते होंगे, पेट दर्द की कंप्लेन करके आते होंगे, डॉक्टर क्या बोलता है? बेटा सीधा लेट के पैर को मोड़ लो, ताकि वो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन को अच्छे से पैल्पेट कर सके। पैर सीधे होंगे, लेग स्टैंड होंगे, स्ट्रेट होंगे, तो आपका मसल टाइटनिंग होगा, तो ऑर्गन को फेल्ट नहीं कर सकते। इसलिए पैर मोड़ने से एब्डोमिनल ऑर्गन को हम पैल्पेट कर सकते हैं। तो पोजीशन का नाम क्या? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। नाम क्या बच्चों? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। इस पोजीशन का यूज देखिएगा, एक तो इसका यूज हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जब भी बात करेंगे तो आपको आंसर क्या लिखना है? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। क्या लिखोगे? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। दूसरा बच्चों कैथेटराइजेशन। दूसरा यू कैन से कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन की बात करें तो भी कौन सा पोजीशन देते हैं बच्चों? डॉर्सल रिकमेंड। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कैथेटराइजेशन में, और कैथेटराइजेशन में भी पूछे तो बच्चों फीमेल, फीमेल, क्योंकि मेल के अंदर जो है सुपाइन पोजीशन देते हैं। मैंने क्लियर लिखा है एब्डोमिनल असेसमेंट में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ आई ए पी पी याद रखना बच्चों। आई ए पी पी का मतलब इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। ये सीक्वेंस याद रखना। क्वेश्चन जब पूछेंगे सीक्वेंस पूछा जाएगा कि जब भी पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एब्डोमन को क्या करना बच्चों? इंस्पेक्ट करना है, और उसके बाद पैल्पेट, सॉरी ऑस्कल्ट करना है। अदरवाइज यदि आपने पैल्पेट करना शुरू किया तो चाहे वो बारबोरी गमी साउंड हो, चाहे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, अपनी जगह से मूव हो जाएगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। आई ए पी पी याद रखना बच्चों। यहां पर दूसरा आपसे पूछेंगे पोजिशन, तो डॉर्सल रिकमेंड आपको पुट किया। कभी कभी पूछते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, वेरिएशन देखिएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो आईपीपी ये याद रखना। आईपीपी का मतलब पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परकशन, और सबसे लास्ट में ऑस्कल्टेशन। मतलब हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो तरीका बदल जाएगा कि उसके अंदर एब्डोमिनल इंडिविजुअल नहीं होता। हेड टू टो एग्जामिन करेंगे तो ऑस्कल्टेशन सबसे लास्ट में होगा, और सिर्फ आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो बच्चों ऑस्कल्टेशन दूसरे नंबर पे होगा। टू गेटिंग एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये दोनों तरीका आई ए पी पी याद रखना, आई पी पी ए याद रखना, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का तरीका याद रखना, फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका याद रखना। एक एमसीक्यू यहां बनता है बच्चों, एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यहां पर बनता है कि एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे, फिर तुरंत ऑस्कल्ट करोगे, ऑस्कल्ट के बाद में परकशन करोगे, और लास्ट में पैल्पेट करना है, लास्ट में पैल्पेट करना है। और यही पेशेंट आपका रूटीन एग्जामिनेशन में है तो ऑस्कल्टेशन सबसे लास्ट में करना है, याद रखना बच्चों। बता देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट 2021। हर वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मैं हाईलाइट करूंगा। इट विल बी कमिंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फाइनली इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं कैरी ऑन कर रहा हूं। एक एक ऑर्गन उसके एमसीक्यू, एक एक ऑर्गन उसके एमसीक्यू बच्चों। यहां पर मैंने लिखा है ऑल आर द ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। सभी ऑर्गन जीआई ट्रैक्ट का एक को छोड़ के चार ऑप्शन है। इसोफेगस, स्टोमक लिखा है बच्चों, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। चार ऑप्शन है कि सभी ऑर्गन जीआई ट्रैक्ट का एक को छोड़ के। जीआई ट्रैक्ट याद रखना बच्चों, जीआई ट्रैक्ट को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट वी कैन से जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? माउथ से। एंड कहां होता है बच्चों? एनस। एंड कहां होता है? एनस। इसको तो बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक रिप्लाई दीजिएगा ताकि मैं क्विक फॉरवर्ड कर सकूं। साबा। सुपर पार्टिसिपेशन। ज्यादातर बच्चों ने लीवर लिखा है, बिल्कुल सही, बिकॉज माउथ के बाद में क्या आता? देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के बाद में क्या आएगा? फारिंग्स आएगा, फारिंग्स के बाद में ईसोफेगस आएगा, देन बच्चों स्टोमक आएगा, देन बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, देन बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन आएगा,
देन बच्चों रेक्टम आएगा, देन एनल केनाल आएगा और लास्ट में एनस आएगा। ये तो आपका हो गया जीआई ट्रैक्ट, ये हो गया जीआई ट्रैक्ट। और याद रखिएगा जीआई ट्रैक्ट का मतलब माउथ टू एनस, और जीआई ट्रैक्ट का काम है टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट विद द फूड। जो गुलाब जामुन आप मुंह में डालोगे वो इस रास्ते से होके गुजर के वेस्ट के रूप में बाहर निकलेगा। दैट वी कैसे जीआई ट्रैक्ट, इसी को तो बोलते एलिमेंट्री केनाल। सुना है, इसी को बोलते बच्चों एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल का मतलब होता है आहार नाल। ये तो सुना होगा आहार नाल, आहार नाल सुना होगा। ये तो होगा जीआई ट्रैक्ट। बाकी जो ऑर्गन है जैसे लीवर, जैसे बच्चों गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, और वी कैन से सलावरी, सलावरी ग्लैंड, वी कैन से पैनक्रियास, पैनक्रियास। ये कौन से ऑर्गन है? ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। कौन से बच्चों? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब सीधा है, ये ऑर्गन कभी सीधा नहीं आते, ये ऑर्गन कभी सीधा नहीं आते हैं। ये ऑर्गन केमिकल सब्सटेंस को भेजते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस आकर के फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करता है। इन ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। दैट मीन्स सिंपल याद रखिएगा, द ऑर्गन डज नॉट डायरेक्टली कम टू पार्टिसिपेट विद द फूड, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस। द केमिकल सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। वो कौन से ऑर्गन होंगे बच्चों? एसेसरी। लिवर बाइल को सिक्रीट करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल को सिक्रीट करेगा, सलावरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करेगा, और पैनक्रियाज एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन को सिक्रीट करेगा। तीनों पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, तीनों क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम है, फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। वो कहां से आते हैं? पैनक्रियाज से। कहां से आते हैं बच्चों? पैनक्रियाज से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर सभी का? पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, विच लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व। जीआई ट्रैक्ट की कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है? जीआई ट्रैक्ट के कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है? ऑप्शन म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरियस और वी कैन से सीरोसा। क्विक आंसर पुट करना बच्चों। मैंने पूछा है कि जीआई ट्रैक्ट जो है माउथ से एनस तक रहता है, इस जीआई ट्रैक्ट के अंदर कौन सी लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है? कौन सी लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है? क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। शाबाश ताली भाटी, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने सब म्यूकोजा लिखा है, किसी ने मस्कुलेरियस लिखा है। यस दैट आई वांट, दैट आई वांट एवरीबॉडी, आई विल पुट हियर, आई विल पुट हियर। आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, सब म्यूकोजा। याद रखना बच्चों, सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है ये इनर लेयर है। कौन सा है बच्चों? इनर लेयर। म्यूकोजा के बाद में आता है सब म्यूकोजा। कौन सा है बच्चों? सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है बच्चों। ब्लड सप्लाई के साथ ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ग्लैंड के साथ नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगा, नर्व के साथ लिम्फेटिक सप्लाई प्रेजेंट होगा। ये सारे किस्में होंगे सब म्यूकोजा में। तीसरा नाम है बच्चों मस्कुलेरियस लेयर, याद रखना बच्चों। तीसरी लेयर का नाम है मस्कुलेरियस, मस्कुलेरियस लेयर। इसके अंदर दो मसल्स होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। याद रखना दो मसल्स होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। एक मसल्स का नाम होगा सर्कुलर मसल्स। ये दोनों मसल्स क्या करते हैं? ये पेरिस्टाल्टिक, क्या करते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है उसमें रोल प्ले करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां से स्टार्ट होता है? इसोफेगस से। कहां एंड होता है बच्चों? हियर यू कैन सी इनटू द सिग्मोइड कोलन। तो दो लेयर होती है मस्कुलेरियस, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है जिसका नाम है सीरोसा, ये क्वेश्चन एग्जाम है। आउटर लेयर बोलना बच्चों, आउटर लेयर बोलना, दैट वी कैन से सीरोसा। तो चार लेयर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरियस, देन सीरोसा। सीरोसा सबसे बाहर होती है, म्यूकोजा सबसे अंदर होती है, सब म्यूकोजा में ब्लड सप्लाई होती है, और मस्कुलेरियस में दो मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। वो दोनों मसल्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करने में मदद करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम होता है फूड को फर्दर प्रोसीड करना थ्रू द जीआई ट्रैक्ट इनटू द स्मॉल टू द लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, चीक कंसिस्ट ऑफ विच मसल्स, मतलब आपके जो चीक है वो किसके बने होते हैं? आपके जो चीक है वो किसके बने होते हैं? फटाफट आपको क्वेश्चन के साथ आंसर पुट करना होगा। ऑर्बिकुलेरियस ऑरिस मसल्स, बुसिनेटर मसल्स, ऑर्बिकुलेरियस ऑक्युलाई मसल्स, और वी कैसे लिवोटर पैल्पेब्रेस सुपीरियरिस मसल्स। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों।
क्विक आंसर पुट करिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, चीक किसके बने होते, चीक जो है वो किसके बने होते, क्वेश्चन ये पूछा आपसे, फटाफट आंसर पुट करिएगा। चीक आर रिस्पॉन्सिबल टू मेड विच लेयर, विच लेयर बच्चों, शाबाश बूसिनेटर, लगातार आपका आंसर मिल रहा है, बूसिनेटर आपका आंसर मिला, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बूसिनेटर आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक चीज, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो है ये क्या बनाती बच्चों, लिप्स बनाती, क्या बनाती है, लिप्स बनाती, याद रखना। दूसरा ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल्स है, ऑक्युलाई मसल्स कहाँ होती, देखिए ऑक्युलाई और लिवोटर पैल्पिबरी ये दोनों जो मसल्स है ये कौन है बच्चों, मसल्स ऑफ आईलिड, मसल्स ऑफ आईलिड, ये किसकी मसल्स है, आईलिड की मसल्स, याद रखिएगा आईलिड की मसल्स है, आईलिड में दोनों मसल्स होता है, वहीं ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई जो है फर्स्ट मसल स्टिफ आफ्टर डेथ, याद रखना क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, आफ्टर डेथ, किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद सबसे पहली जो मसल स्टिफ होती है उस मसल्स का नाम क्या होगा बच्चों, ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, ये आईलिड की मसल्स है, आईलिड की मसल्स है, जैसे ही मरीज की डेथ होती है आपने देखा होगा आंखें खुली की खुली रह जाती है, यदि इस आईलिड की मसल्स को स्टिफ हो गई तो आंखें क्लोज नहीं होती, इसलिए देखा होगा सबसे पहले आईज को क्लोज करते हैं, मूवी में सीरियल में देखा होगा बच्चों, डेथ होने के बाद सबसे पहले मसल्स, मरने के बाद सबसे पहली मसल जो स्टिफ होती है उस मसल्स का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, ये मसल्स किसकी बच्चों, आईलिड की, किसकी है, आईलिड की मसल्स है बच्चों। नेक्स्ट एक गुड न्यूज, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट एक गुड न्यूज आप सभी मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर भी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से पता होगा कि नॉर्सेट में, आपको अच्छे से पता होगा नॉर्सेट में बच्चों 5 मार्क्स का जीके आता है, और जीके में करंट अफेयर आता है, जीके में करंट अफेयर आता है, आपके अपने JINC ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने JINC ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सुबह 10 बजे जीके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास होने वाली बच्चों, जीके करंट अफेयर और वीकेंड से जनरल अवेयरनेस की क्लास होने वाली है, जो 5 नंबर देगा आपको, और इसके अंदर स्पेशली क्या होगा, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स के बारे में, रीसेंट करंट अफेयर्स के बारे में, इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हिस्ट्री के बारे में, वो सारे इंपॉर्टेंट सेशन के MCQ आपके सामने होंगे, जैसे पिछले पेपर में पूछा था कि रफाल कहां से लाया गया, रफाल कहां पर लैंड किया गया, गूगल का CEO कौन था, ये क्वेश्चन आए, याद है ना आपको बच्चों, इस बार आपके अपने JINC टीम के मेंबर रेस्पेक्टेड आकाश सर के द्वारा जीके की वो इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके अपने JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे कल सुबह ठीक सुबह 10:30 बजे डेली कंडक्ट की जाएगी बच्चों, डेली सुबह 10:30 बजे, और हमें ये 5 नंबर जो आएंगे ये कंफर्म करने मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, यू शुड कैप्ट इन योर माइंड सुबह 10:30 बजे जीके की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, वो इंपॉर्टेंट 5 MCQ जो आने वाले 5 से 10 क्लास में हम लर्न करने वाले बच्चों, हियर यू कैन सी, रिमेंबर करिए, फिर से बता रहा हूं, पिछले बार नॉर्सेट में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को वो क्वेश्चन सिस्टमेटिकली पहले ही याद हो जाए, ताकि अगली बार कोई मुसीबत नहीं आए। मैंने कहा था ना बच्चों, आपके हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, जो जहां जरूरत है मैं डिलीवर करूंगा, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उस टीचर को वहां पर अप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको आपके सपने तक लेके जाना है, और लगातार मैं हर एक एक्टिविटी आपके लिए कंडक्ट कराऊं, चाहे वो सुबह का नया सवेरा हो, चाहे डेली की क्लास हो, चाहे GK की क्लास हो, चाहे रीजनिंग मैथ्स की क्लास हो, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने लाने की कोशिश कराऊं, जो आपको नॉर्सेट के सिलेक्शन को क्रैक करने में मदद करें। तो टाइम याद रखना, कल सुबह ठीक सुबह 10:30 बजे JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे जनरल अवेयरनेस के साथ साथ रिसेंटली करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास डेली 1 आवर। अब तो बच्चों तैयार हो जाओ, कमर कस लीजिएगा, जीके को भी नहीं छोड़ने वाले हम, जीके की क्लास को भी नहीं छोड़ने वाले, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने कहा था ना इस बार
नॉर सेट पार, क्योंकि जे आई एन सी है तो भरोसा, जे आई एन सी है तो क्वालिटी है, जे आई एन सी है तो सिलेक्शन है, और जे आई एन सी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन करके दिखाना बच्चों। तो जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल में अपने जेएनसी परिवार के बच्चे हैं उनको जरूर बताएं जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे अब जीके भी पढ़ने को मिलेगा डेली 1 आवर, ताकि नॉर्थ सेट अपनी मुट्टी में कर सके बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 2-7 जुलाई का शेड्यूल आपके सामने, सुबह 10:30 बजे जीके की क्लास, शाम को 3 से 5 बजे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास को कैरी ऑन करेंगे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास को कैरी ऑन करेंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक को कैरी ऑन करें, हमने माउथ को फिनिश किया, हमने माउथ को फिनिश किया, टीथ पे बनने वाले क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा टीथ, और बता देता हूं बच्चों 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी टीथ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैरी ऑन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है, हार्डेस्ट और मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी में सबसे हार्ड, सबसे हार्ड बच्चों, हार्डेस्ट और वी कैन से मोस्टली हाईली मिनरलाइज्ड व्हाट सब्सटेंस जो है वो कौन होगा, वो डेंटिन होगा, वो इनेमल होगा, वो सीमेंटम होगा, वो नेक होगा। चार ऑप्शन आपके सामने डेंटिन, इनेमल, सीमेंटम और वी कैन से नेक। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। टीथ का इमेज आपके सामने, क्राउन का फोटो आपको दिख रहा है, रूट आपको दिख रहा है, आपको इनेबल दिख रहा है व्हाइटिश पोर्शन, आपको डेंटिन दिख रहा है पल्प कैविटी और इनेबल के बीच वाला पोर्शन, आपको पल्प कैविटी भी दिख रहा है जहां पर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। तो क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, फंटास्टिक, इनेबल ज्यादातर बच्चों ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, क्योंकि डेंटिन जो मैंने कहा था इनेबल और सीमेंटम के बीच का पोर्शन है, दैट वी कैन से डेंटिन। नेक ऑलरेडी मैंने कहा था वेयर द क्राउन मर्ज, जहां पर क्राउन और रूट आपस में जुड़ रहा है, दैट वी कैन से नेक, दैट वी कैन से नेक। और सीमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीमेंटम जो है स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सब्सटेंस है, और ये कहां कवर करता है, रूट ऑफ टूथ को कवर करने का काम करता है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे, रूट ऑफ टीथ को, सॉरी रूट को कवर करने का काम कर रहा है, दैट वी कैन से सीमेंटम, दैट वी कैन से सीमेंटम। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कैरी ऑन करें, सेंटर ऑफ टूथ को क्या बोलते हैं बच्चों, पल्प कैविटी। याद रखना पल्प कैविटी बच्चों टीथ में होता है, और आपसे पूछे मेडुलरी, आपसे पूछे मेडुलरी कैविटी, तो आंसर लिखना बच्चों बोन। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, मेडुलरी कैविटी कहां होती है तो आपको आंसर लिखना बोन, और पल्प कैविटी कहां होती है आपको आंसर लिखना बच्चों टीथ। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई। टीथ के पल्प कैविटी में ब्लड सप्लाई भी होगा, नर्व सप्लाई भी होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा, टीथ में जो कैल्शियम का डिपोजिशन है उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं बच्चों, उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। जैसे ही टीथ के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन दिख रहा है, दैट वी कैन से हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और वी कैन से टीथ हैव द मैक्सिमम कैल्शियम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कभी मत लिख देना बच्चों बोन, टीथ में, टीथ जो है, टीथ के टोटल वेट का 70% कैल्शियम होता है, टीथ के टोटल वेट का 70% कैल्शियम होता है बच्चों, याद रखना। कभी भी पूछे आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहां पाया जाता है, तो आपको आंसर लिखना टीथ। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, टीथ, जहां पर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, टीथ में टोटल वेट का 70%, टोटल वेट का 70%। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये एक परमानेंट एमसीक्यू है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार आप लिख सकते हैं बच्चों नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू भी बन सकता है। फर्स्ट इरप्टिव टीथ, सबसे पहला कौन सा टीथ आता है, तो आपको अच्छे से पता होगा लोअर सेंटर इंसाइजर आएगा, कौन सा आएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। फर्स्ट इरप्टिव टीथ मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद सबसे पहला टीथ कौन सा आता है, सबसे पहला टीथ कौन सा आता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी फर्स्ट इरप्टिव टीथ बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, कौन सा इंसाइजर ये भी लिखना है, कौन सा इंसाइजर ये भी लिखना है। ज्यादातर बच्चों ने लोअर सेंटर इंसाइजर लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। फर्स्ट इरेप्टिव टीथ इन्फेंट में, लोअर सेंटर इंसाइजर 6 to 8 मंथ में, मतलब सीधा देखिए बच्चों, फटाफट देखिएगा, दो तरह का टीथ होता है बच्चों। एक होता है टेम्पररी जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, जिसको बेबी टीथ बोलते हैं, बच्चों का दांत मिल्क टीथ, जिसको डेसीडुअस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बच्चों परमानेंट,
परमानेंट टीथ बोलते हैं या अडल्ट टीथ बोलते हैं, याद रखना बच्चों। टेम्पररी टीथ जो है नंबर में 20 होता है, परमानेंट टीथ नंबर में 36 होता है। टेम्पररी जो टीथ है बच्चों 6 मंथ की एज से आना स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ की एज से इरप्शन स्टार्ट होता है, और एज ऑफ 24 मंथ या वीकेंड से 24 मंथ में ये कंप्लीट टीथ आ जाते हैं। 24 महीने में टीथ कंप्लीट आ जाते हैं, 6 महीने की उम्र में दांत आना स्टार्ट होते हैं, 2 साल की उम्र में टीथ कंप्लीट आ जाते हैं। दैट वीकेंड से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर 6 मंथ में इरप्शन होता है। परमानेंट की बात करें, याद रखना बच्चों, परमानेंट की बात करें 6 ईयर में आना शुरू होते हैं और 21 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं। 21 ईयर में कंप्लीट, 6 साल में आना स्टार्ट करेगा, 21 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाएगा, 21 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाएगा। और एक होता विजडम, एक होता विजडम टीथ, अक्लदार जिसको बोलते हैं, और ये 17 से 21 साल में डेवलप होते हैं बच्चों। 17 से 21 साल में, याद रखिएगा बच्चों, 17 से 21 साल में विजडम टीथ आते हैं। तो मैंने क्लियर लिखा, फर्स्ट इरप्टिव टीथ पूछे तो लोअर सेंटर इनसाइज लिखना, फर्स्ट परमानेंट टीथ पूछे अडल्ट में तो मोलर लिखना, थर्ड मोलर जो है ये सबसे लास्ट में डेवलप होता है जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, थर्ड मोलर जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं। कहते हैं तेरे को अभी भी अकल नहीं आई, अकल कब आएगी? 21 साल के बाद, मतलब अकल दाढ़ जो है वो 21 ईयर तक, 17 से 21 साल में आती है बच्चों। डिलेड इरप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डिलेड इरप्शन कब बोलेंगे? जब पेशेंट का टीथ जो है वो 12 से 13 मंथ की उम्र तक नहीं आया, 12 से 13 मंथ की उम्र तक टीथ नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिलेड टीथ। क्या बोलते हैं? डिलेड टीथ बोलते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर को ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ मार्केट में ऐसे लोग भी देखे होंगे, बीच में 3-4 ऐसे अलग से दांत आ जाते हैं, अलग से दांत आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरडोंडिया। क्या बोलते हैं? हाइपरडोंडिया, मतलब सीधा है कि जो इंसाइजर दिख रहे इनके बीच में एक सुपर नेचुरली टीथ डेवलप हो जाता है, सुपर नेचुरली टीथ डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर नेचुरल टीथ की बात करें तो बिटवीन इंसाइजर लिखना बच्चों, दोनों इंसाइजर के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरडोंडिया। हाइपरडोंडिया दैट वी कैन से सुपर सुपर नेचुरली। थैंक यू साहिल, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट आता है टंग। टंग के ऊपर इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन को कैरी ऑन करें बच्चों। टंग दिख रहा होगा, सीधी सा याद रखना, टंग जो है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और टंग की खास बात क्या है? 60 ग्राम जो है ये किसमें होता है बच्चों? मेल में, सर फीमेल में। और 70 ग्राम किसमें होता है बच्चों? मेल में। ये टंग का वजन है। ओके फाइन, टंग जो है सेंसरी ऑर्गन है, सभी को पता है सेंसरी ऑर्गन है, इसलिए इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं क्विक डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करके मुझे आंसर बताएं, फाइंड आउट करके आंसर बताएं। एक इमेज आपके सामने दिख रहा है, इस इमेज को कौन सा स्केल बोलते हैं? इस इमेज को कौन सा स्केल बोलते हैं? ज्यादातर बच्चों को पता होगा, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा बच्चों। पेशेंट का माउथ ओपन किया हुआ है, पहली पिक्चर देखिएगा जहां पर पेशेंट का सॉफ्ट पैलेट पूरा दिख रहा है, जहां पर पेशेंट का सॉफ्ट पैलेट पूरा दिख रहा है। दूसरी पिक्चर के अंदर सॉफ्ट पैलेट के साथ थोड़ा थोड़ा यूवेला दिखना कम हुआ। तीसरी पिक्चर के अंदर आप जाओगे, ओनली बेस ऑफ द यूवेला दिख रहा है। और चौथी पिक्चर में जाओगे, सॉफ्ट पैलेट विजिबल नहीं है, सॉफ्ट पैलेट विजिबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और डेली एम्स का फेवरेट है, डेली एम्स का फेवरेट है, मल्लम पट्टी स्कोर। ये लिखा हुआ है बदमाश बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? मल्लम पट्टी स्कोर, और वीकेंड से मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ सेट 2021 बच्चों। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मल्लम पट्टी क्या है, मल्लम पट्टी का पर्पज क्या है? मल्लम पट्टी का पर्पज है, इसको एक तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यूज करता है, जो एनेस्थेसिया देता है वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यूज करता है। पर्पज है पोटेंशियल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सबसिक्वेंट रिस्क। कब? जब पेशेंट को आप इंट्यूबेशन कर रहे हो, जब पेशेंट को आप ईटी ट्यूब डाल रहे हो। और ईटी ट्यूब क्यों डाल रहे हो? पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है, पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते समय हमें देखना है कि पेशेंट का सब्सिक्वेंट रिस्क तो नहीं है। यदि ये कंडीशन आपको मिलेगा तो डेफिनेटली पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें देखना बच्चों, क्लास वन का मतलब होता है कि कंप्लीट सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, कंप्लीट सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है।
क्लास सेकंड का मतलब है सॉफ्ट पैलेट दिखना थोड़ा कम हुआ है, बट यूवेला जो है वो थोड़ा सा दिखना कम हुआ, सॉफ्ट पैलेट अभी भी दिख रहा है। तीसरे के अंदर सॉफ्ट पैलेट थोड़ा कम दिख रहा है, यूवेला ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, और चौथे के अंदर सॉफ्ट पैलेट दिखना बंद हो गया। इसका मतलब इट मोर रिस्क फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे ब्लॉक। और इस स्कोर को क्या बोलते हैं, मल्लम पट्टी। और क्वेश्चन आता है कि कौन यूज करता है, तो आपको आंसर लिखना है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट में यूज करता है। और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये देखता है कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की रिस्क तो नहीं है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब। कब, जब पेशेंट को सर्जरी हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉकेज ऑफ एयरवे को देखने में मदद करता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मल्लम पट्टी स्कोर बोल सकते हैं या मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और मेन है एयरवे ब्लॉकेज को देखना होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम है बच्चों, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम है। फोर में पूरा डिफिकल्ट है, थर्ड में लिटिल डिफिकल्ट है, ये कंडीशन है तब तक गुड है, वेल ओके बच्चों, ओके फाइन। मल्लम पट्टी इमेज वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार फिर से पूछा जा सकता है, फिर से पूछा जा सकता है। गुड प्रिडिक्टर फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लेटरल पार्ट ऑफ द टंग गिवन, कौन सा टेस्ट देता बच्चों, लेटरल पार्ट ऑफ द टंग जो है कौन सा टेस्ट देगा। सपोज ये पेशेंट की टंग है, ये पेशेंट की टंग है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कौन सा बच्चों, लेटरल। ये कौन सा पोर्शन लेटरल है, ये कौन सा पोर्शन है, ये टिप है, ये कौन सा टिप है, और ये पेशेंट का पोस्टीरियर पोर्शन है। क्वेश्चन पूछा है कि लेटरल पार्ट ऑफ द टंग गिवन विच टेस्ट। ऑप्शन में सो टेस्ट लिखा हुआ बच्चों, ऑप्शन के अंदर बिटर टेस्ट लिखा हुआ, ऑप्शन में साल्ट टेस्ट लिखा हुआ, ऑप्शन में स्वीट टेस्ट लिखा हुआ है। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लेटरल पार्ट का पूछा है, लेटरल पार्ट का पूछा है, क्या बात है। लेटरल पार्ट याद रखो रे बदमाश बच्चों, लेटरल पार्ट को याद रखो। सोर जिन्होंने लिखा है, सोर जिन्होंने लिखा है उसका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, सोर टेस्ट। बिकॉज ये है एंटीरियर पार्ट जिसको टिप ऑफ द टंग बोलते हैं, ये स्वीट और साल्ट टेस्ट देता है। स्वीट और साल्ट, जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके टेस्ट लेना होता है तो हम टिप ऑफ टंग का यूज करते हैं। और टिप ऑफ द टंग कौन सा टेस्ट देता है, स्वीट और साल्ट। देन ये लेटरल पोर्शन जो है ये सोर टेस्ट, बच्चों याद रखना, खट्टा, दैट वी कैन से सोर के मतलब होता है खट्टा। और ये टंग का पीछे वाला पोर्शन है ये बिटर टेस्ट देता है, इसको कड़वा बोलते हैं। बिटर जो है पोस्टीरियर देता है, लेटरल जो है सोर देता है, टिप दो टेस्ट देता है, स्वीट और साल्ट। स्वीट और साल्ट याद रखिएगा, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग स्वीट और साल्ट, पोस्टीरियर पोर्शन वी कैन से बिटर, लेटरल पोर्शन वी कैन से सोर टेस्ट। मीठा, खट्टा और कड़वा, मीठा, खट्टा और कड़वा, ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, एक इमेज यहां पर दिया हुआ है, मैं लिखा है रेड बिफी टंग प्रेजेंटिंग। ये जो दिख रहा है ये रेड बिफी टंग है बच्चों, ये रेड बिफी टंग है। और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा एग्जाम के पर्पस से, रेड बिफी टंग है ये किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा, या परनीशियस एनीमिया में होगा, या तीनों टाइप्स के एनीमिया में प्रेजेंट होगा, या तीनों टाइप्स के एनीमिया में प्रेजेंट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। रेड बिफी टंग का फोटो पुट किया है, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूछा है कि रेड बिफी टंग जो है ये किसमें प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों कि रेड बिफी टंग किसमें प्रेजेंट होता है। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा है, दैट इज अ परनीशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो बच्चों है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी12 का नाम है साइनाकोबालामिन बच्चों, साइनाकोबालामिन, ये विटामिन बी12 का नाम है। यदि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी पेशेंट के टंग पे सोर होगा। और पेशेंट की टंग कैसी दिखेगी, ये रेड कलर का दिखेगा, वी कैसे रेड बिफी टंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि कौन सी डिजीज में है, तो आंसर लिखना परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन बी12 की कमी से होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एम्स नॉर्सेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल बच्चों, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हम एम्स नॉर्सेट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करें, तो आपकी टीम JINC जोधपुर ने इस टेस्ट सीरीज को अवेलेबल किया है। टेस्ट सीरीज के अंदर 21 टेस्ट है बच्चों, याद रखना 21 ऑनलाइन टेस्ट है।
एग्जाम के बाद तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं। वैलिडिटी 6 मंथ की है, JINC एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया गया, 200 से ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, और याद रखना सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पुट किया हुआ है, और इसका प्राइस 499। तरीका वही, प्ले स्टोर JINC जोधपुर या वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाओगे www.jinc-jodhpur.com, और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने थ्योरी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस बिल्कुल किट्टू। MCQ बैच का टेस्ट स्टार्ट हो रहा जल्दी, बट याद रखना ये उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है, उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है, 2100 MCQ है, 2100 टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर किए गए बच्चों। ओके फाइन, हियर यू कैन सी एक और इमेज आपके सामने बच्चों, फाइंड आउट करिएगा, इस इमेज को देख के फटाफट मुझे आंसर पुट करिएगा, इमेज को देख के फटाफट मुझे आंसर पुट करिएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? पेशेंट के टंग की एक डिजीज है, दैट वी कैन से कैंडिडियासिस, ऑरल कैंडिडियासिस। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, उस टंग को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा बच्चों। कैंडिडियासिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फंगल इंफेक्शन टिपिकली ऑन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय कैंडिडिया एल्बिकंस। बता देता हूं बच्चों, वन ऑफ द फंगस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज कैंडिडियासिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन टू द टंग, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बैसिलस एसिडोफिलस जो है ये कॉमनस्ट माइक्रोब्स होता है जो आपके ऑरल केविटी और माउथ में प्रेजेंट होता है, ऑरल केविटी और माउथ में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वी कैन से बैसिलस एसिडोफिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का बच्चों, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहां पर, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अनकॉन्सियस पेशेंट टंग मे फॉल बैक, ध्यान से देखना बच्चों, एंड ऑब्स्ट्रक्टेड एयर। यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है, इट इज अ पेशेंट कंडीशन इन विच पेशेंट इज अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अनकॉन्सियस पेशेंट को क्या होगा, टंग जो है बच्चों फॉल बैक होगा और एयरवे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो हमेशा पोजीशन कौन सी देते रहे बदमाश बच्चों, साइड लाइन। कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन। यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है, सीधा लेटाओगे, टंग फॉल होगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो उसको साइड लाइन पोजिशन पुट करना। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी That we can say sideline position. एक और क्वेश्चन लिखा है बच्चों मैंने, कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, माउथ से होता है। दूसरा देखिएगा, यदि पेशेंट को पूछे ह्यूमन का डाइजेशन भी कहां से स्टार्ट होता है, तो भी माउथ लिखना। और कभी कभी पूछे पेनफुल स्वेलोइंग, दैट वी कैन से ओडिनोफेजिया। एग्जाम का क्वेश्चन है। यदि आप कोई भी फूड को स्वेलो कर रहे हो, दर्द हो रहा है, पेनफुल स्वेलोइंग इज नाउन एज ओडिनोफेजिया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जब भी आप किसी सब्सटेंस को स्वॉलो करो, दर्द हो रहा है, तो उसको ओडिनोफेजिया के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। दैट डिसफेजिया एवरीबॉडी नो, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट हु हैड इनसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ द ओरल अपसिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, एक पेशेंट है, उसको इनसीजन दिया है और ड्रेनेज किया जा रहा है, पेशेंट को क्या था रे बदमाश बच्चों, ऑरल अपसिस था, इज टू बी डिस्चार्ज, छुट्टी की जा रही है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग इफ इट इज शुड अकर शुड नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक पेशेंट को ऑरल अपसिस था और ऑरल अपसिस के बाद पेशेंट को इंसिजन दिया, इंसिजन दे के ड्रेनेज करवा लिया, उसको छुट्टी दी जा रही है, चारों में से कौन सा इंटरवेंशन आपको दिखे है, तो तुरंत पेशेंट के अटेंडर को बोलना है कि यू शुड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए क्लाइंट हु हैड एन इनसीजन ड्रेनेज ऑफ एन ऑरल अपसिस इज टू बी डिस्चार्ज, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इट शुड बी अकर शुड नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। क्वेश्चन को समझना, फाउल ऑर्डर ऑफ ब्रीथ होगा तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। बी में लिखा पेन एसोसिएटेड विद स्वेलोइंग, यदि पेन और सूजन दोनों है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, या पेन विथ स्वेलोइंग आफ्टर 1 वीक
तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, या टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। चार ऑप्शन है बदमाश बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा, चार ऑप्शन को पढ़िएगा, क्विक आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट को इंसिजन दिया, ड्रेनेज करवाया, ओरल अप्सिस था, छुट्टी की जा रही है, कौन सी फाइंडिंग यदि दिखे हैं तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन आपके सामने, फाउल ऑर्डर टू टू द ब्रीथ, पेन एसोसिएटेड विथ स्वेलविंग, पेन विथ स्वेलविंग आफ्टर वन वीक, टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट करने की कोशिश की है, कोशिश की है। सी राइट होगा, कैसे होगा बताऊंगा बच्चों, सी राइट होगा, ध्यान से देखिएगा। सी राइट क्यों होगा, जब भी पेशेंट को इंसिजन दिया, ड्रेनेज करवाया, प्रॉब्लम क्या था, ओरल अप्सिस था, तो याद रखना ये एक तरह का इंफेक्शन था जिसको ट्रीट कर दिया, तो नॉर्मली बच्चों पेन एंड स्वेलिंग जो है बिफोर वन वीक पोस्ट ऑपरेटिवली क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, सबसाइड हो जाना चाहिए। और यदि ये दोनों लगातार प्रेजेंट है, इसका मतलब इन्फेक्शन अभी भी है, इसका मतलब इन्फेक्शन अभी भी है। पेन एंड स्वेलिंग शुड सबसाइड बिफोर वन वीक पोस्ट ऑपरेटिवली, दैट मीन्स हो जाना चाहिए। यदि कंटिन्यू है तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, इन्फेक्शन, प्रॉब्लम क्या था, इन्फेक्शन। यहां लिखा है पेन एसोसिएटेड विद द स्वेलिंग, याद रखना ये क्यों होगा, ड्यू टू ट्रॉमा, पेशेंट को कोई चोट लगी है तो ये सिम्टम मिलेगा, पेन एसोसिएटेड विद द स्वेलिंग। फाउल ऑर्डर ब्रीथ, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, क्योंकि पेशेंट को हैलिटोसिस, ये नॉर्मली रहता है, नॉर्मली वीकेंड से रहता है हैलिटोसिस। टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग, ये कोरिलेटेड नहीं है बच्चों, टेंडरनेस नहीं होगा, कोरिलेटेड नहीं है बच्चों। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि जब भी इस तरीके का पेशेंट होता है तो ये कंडीशन ऑलमोस्ट सबसाइड हो जाती है, ऑलमोस्ट सबसाइड हो जाती है। एक वीक के बाद यदि कंडीशन प्रेजेंट रहे तो समझ जाना पेशेंट को इन्फेक्शन है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए नर्स इज ऑब्टेनिंग हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट, ध्यान से देखना, डियर नर्स असिस्ट कर रही हिस्ट्री को एंड परफॉर्म कर रही फिजिकल असेसमेंट। पेशेंट को क्या था रे बदमाश बच्चों, टंग कैंसर था, पेशेंट को क्या था, टंग कैंसर था। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक नर्स ऑब्टेन कर रहा हिस्ट्री एंड परफॉर्म कर रही फिजिकल असेसमेंट, क्लाइंट को क्या था, टंग कैंसर था, बंदो क्लाइंट का क्या था, टंग कैंसर था। कौन सी फाइंडिंग जो है, डियर नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, हैलिटोसिस, ल्यूकोप्लेकिया, ब्लीडिंग गम्स, सब एक्सटर्नल पेन, अल्ट्रेशन इन द टेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड। बहुत आसान एमसीक्यू है, बहुत आसान एमसीक्यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, इजी एमसीक्यू, सोच के आंसर देना बच्चों। टंग कैंसर है पेशेंट को, और टंग कैंसर वाले पेशेंट में क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, क्विक आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। देखिए हैलिटोसिस का मतलब होता है फाउल स्मेलिंग, देन ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है व्हाइट पैचेस, व्हाइट पैचेस होंगे कहां पर बच्चों, माउथ और टंग में, ब्लीडिंग होगा, देन सब एक्सटर्नल पेन। देखिए बच्चों सब एक्सटर्नल पेन तो नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भी सब एक्सटर्नल की तरफ मेटास्टेसिस नहीं होगा, सब एक्सटर्नल रीजन की तरफ मेटास्टेसिस नहीं होगा रे बदमाश बच्चों। तो डी तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, दूसरा ना यहां पर डी होगा, ना यहां पर हैलिटोसिस होगा, ना हैलिटोसिस होगा। अल्ट्रेशन इन टेस्ट, अल्ट्रेशन इन टेस्ट बच्चों ध्यान से देखिएगा, अल्ट्रेशन इन टेस्ट, देन एनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा सही है, देखिए बी में क्या, ल्यूकोप्लेकिया होगा क्योंकि टंग कैंसर है। ई में लिखा टेस्ट का अल्ट्रेशन होगा, क्योंकि टंग के जो बर्ड्स होते हैं,
टंग के जो बड्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनके फंक्शन अल्टर्ड होगा तो टेस्ट का पता नहीं चलेगा, टेस्ट का पता नहीं चलेगा। देन एफ में लिखा एनलार्जमेंट ऑफ लिम नोड, क्योंकि जब भी पेशेंट को मेटास्टेसिस होगा, मेटास्टेसिस होगा तो कौन रोल प्ले करेगा बदमाश बच्चों? सर्वाइकल लिम्फ नोड रोल प्ले करेगा। कौन करेगा? सर्वाइकल लिम्फ नोड। ना तो गम्स में ब्लीडिंग होगा क्योंकि कैंसर टंग में है, ना सबस्टर्नल पेन होगा क्योंकि यहां रेडिएट नहीं होगा, और ना हैलिटोसिस होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दैट वी कैन से बीएफई, मतलब ल्यूको प्ले किया, मतलब अल्टरेशन इन टेस्ट, मतलब एनलार्जमेंट। ल्यूको प्ले किया वाइट पेचेस टंग पे होगा, टेस्ट में अल्टरेशन टेस्ट बड्स की वजह से होगा, और एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस की वजह से, मेटास्टेसिस की वजह से होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, यहां पर आप देखिए मैंने दो इमेज पुट किया है। ल्यूको प्ले किया, इर्थ्रो प्ले किया, ध्यान से देखना बदमाश बच्चों, ल्यूको प्ले किया और इर्थ्रो प्ले किया, दोनों पुट किया हुआ मैंने, क्लियर लिखा है। ल्यूको प्ले किया का मतलब क्या है? थिक व्हाइट ग्रेस पैचेस फ्रॉम इन साइड द माउथ, दैट वी कैन से ल्यूको प्ले किया, दैट वी कैन से ल्यूको प्ले किया। देन साथ में लिखा है ल्यूको प्ले किया का कॉमन कॉज कौन है बच्चों? स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से कॉमनली फाइंड आउट होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वही लिखा इर्थ्रो प्ले किया, इर्थ्रोमेटस रेड एरिया ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन इवन इन टू द टंग और सराउंडिंग टू द टंग, और ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम इसको वार्निंग साइन ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं। दैट इज अ ल्यूको प्ले किया, दैट इज अ इर्थ्रो प्ले किया। ल्यूको प्ले किया ल्यूकोसाइटोसिस याद रखना, WBC याद रखना व्हाइट, इर्थ्रो प्ले किया इर्थ्रो से याद रखना रेड, रेड से याद रखना इर्थ्रोसाइड, और इर्थ्रोसाइड से याद रखना रेड कलर बच्चों, व्हाइट कलर रेड कलर, दोनों पैचेस दोनों माउथ में होगा। दैट वी कैन से ल्यूको प्ले किया और इर्थ्रो प्ले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए नर्स इज अ कलेक्टिंग हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ कैंसर टंग, फॉर विच रिस्क फैक्टर कॉमनली एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ टंग शुड नर्स असिस्ट व्हेन द कलेक्टिंग हिस्ट्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक डियर नर्सेस ने हिस्ट्री कलेक्ट किया, कलेक्ट क्या किया पेशेंट को, हिस्ट्री क्या था? टंग कैंसर की हिस्ट्री थी। क्या थी बच्चों? टंग कैंसर की हिस्ट्री थी। कौन सा रिस्क फैक्टर है कॉमनली टंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है? डियर नर्सेस व्हेन फाइंड आउट व्हेन शी शुड कलेक्ट हिस्ट्री। क्वेश्चन को देखिएगा, ए नर्स कलेक्ट कर रही हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या देखा? पेशेंट को टंग कैंसर था बच्चों, टंग कैंसर था, और कौन सा वो रिस्क फैक्टर है जो टंग कैंसर के लिए कॉमनली एसोसिएटेड था, जो टंग कैंसर के लिए कॉमनली एसोसिएटेड था? नेल बाइटिंग, पुअर डेंटल हैबिट्स, फ्रीक्वेंट गम चिविंग, लार्ज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इन्होंने फाइंड आउट क्या करना, रिस्क फैक्टर। रिस्क का मतलब होता है इट मे बी और माइट बी। तो पेशेंट की जब हिस्ट्री लिया तो उसको टंग कैंसर था, और टंग कैंसर का रिस्क फैक्टर कौन हो सकता है? टंग कैंसर का रिस्क फैक्टर कौन हो सकता है? नेल बाइटिंग हो सकता है, पुअर डेंटल हैबिट्स हो सकता है, फ्रीक्वेंट गम चिविंग हो सकता है, या लार्ज कंजप्शन ऑफ एल्कोहल हो सकता है। क्विक आंसर, क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। एल्कोहल क्या करेगा? प्रीडिस्पोज टू द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ऑरल कैंसर, बिकॉज ये क्या है बच्चों? म्यूकोजल इरिटेंट है। क्या है? म्यूकोजल इरिटेंट है। नेल बाइटिंग ऑरल कैंसर नहीं करेगा, सॉरी टंग कैंसर नहीं करेगा, डेंटल केरीज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग नहीं करेगा। तीनों को रिलेटेड नहीं है, तीनों को रिलेटेड नहीं है। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट हैज ए फ्रैक्चर, देखिए बच्चों, ए क्लाइंट हैज ए फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, पेशेंट को मैंडिबल में फ्रैक्चर। कहां है बच्चों? ये आपका मैक्सिला है, ये आपका मैंडिबल है। ओनली मूवेबल बोन किसको बोलते हैं बच्चों? मैंडिबल को। ओनली मूवेबल बोन किसको बोलते हैं? मैंडिबल को। दैट इज इमोबिलाइज विथ वायर, किससे इमोबिलाइज किया? वायर से। इमोबिलाइज का मतलब होता है प्रिवेंट मूवमेंट, प्रिवेंट मूवमेंट। फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम शुड नर्स मॉनिटर, इस पेशेंट को कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम को मॉनिटर करेगी नर्स? क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट हैज अ फ्रैक्चर मैंडिबल दैट इज इमोबिलाइज विद द वायर, फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम शुड नर्स मॉनिटर। क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑप्शन
इन्फेक्शन को मॉनिटर करेगी। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब यदि पेशेंट को मैंडिबल के अंदर फ्रैक्चर था, वायर बांधा हुआ था, जिसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो डियर नर्स को मॉनिटर करना होगा। इन्फेक्शन को मॉनिटर करेगी, वॉमिटिंग को मॉनिटर करेगी, ऑस्टियोमाइलाइटिस को मॉनिटर करेंगी या ब्रोंकोस्पाज्म को मॉनिटर करेगी। रविंदर आचार्य डोनेटिंग 40 रुपीज, शुक्रिया रविंदर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, मैंडिबल में फ्रैक्चर था, उस पेशेंट को वायर करवाया, मैंडिबल में फ्रैक्चर के बाद वायरिंग हुआ तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग होगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकता है, वॉमिटिंग होगा तो पेशेंट को एस्पायरेशन हो सकता है, और एस्पायरेशन होगा तो पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा हूं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा हूं। डी नहीं होगा रे बदमाश बच्चों, कहां लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो? गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर, डी नहीं होगा। क्योंकि यदि पेशेंट को फ्रैक्चर है मैंडिबल, वायर बांधा हुआ है, ब्लीडिंग हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, वॉमिटिंग होगा एस्परेट होने के चांसेस बढ़ेंगे और पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हमें लाइफ थ्रेटनिंग किसको माना है? वॉमिटिंग को माना है। किसको माना बच्चों? वॉमिटिंग को माना। यहां ध्यान से देखिएगा, मे रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द वॉमिटस बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपल, दिस मे कॉज निमोनिया और एस्पेक्सिया। दांत बांधे हुए एक्सपल नहीं कर पाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एस्पिरेशन हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखिएगा बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये थे आज के इंपॉर्टेंट सेशन, ये थे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और मैं बताना चाहूंगा लास्ट 2 आवर का इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर हमने कोशिश की बट फिर भी सलावरी ग्लैंड रह गया, वो कल की क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। इसी तरीके से प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, JINC टीम हमेशा आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करेगी। कल सुबह 10:30 जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की क्लास अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि 5 नंबर भी हमें तैयार करने हैं। मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अपना भरोसा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और हमेशा कुछ नए करने की एनर्जी बना के रखना, क्योंकि सपना आपने देखा है, सपना आपको पूरा करना है, जिद आपकी है, रास्ता आपको हम दिखाएंगे, मेहनत हम करेंगे आपके साथ मिलकर के, तो नॉर्थ से 2021 ज्यादा दूर नहीं होगा। तो हमेशा इसी एटीट्यूड के साथ जीने की कोशिश करें। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक और नए इनोवेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।